Okay, Malik. So, good evening, Malik. Hopefully, everybody is doing good. एक बार audio video confirm कर लीजिए, Malik. तोड़ मालिक, आवाज बराबर है, ऑडियो वीडियो एक बार कंफर्म कर लीजिए. यह है सीए इंटर ऑडिट का ईयर भी मालिक, एग्जाम ओरिएंटेड बैच. ठीक है भाई, तोड़ मालिक, बढ़िया. तो लेट्स स्टार्ट. ऑडियो वीडियो कंफर्म है तो अपन शुरुआत करते हैं. थोड़ी सी चीजें बिफोर गोइंग अहेड थोड़ा सा डिस्कशन कर देते मालिक. ओके मालिक, सो गुड इवनिंग. होपफुली एवरीबॉडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूं कि आप तोड़ कर होंगे मालिक. तो भारत माता की जय मालिक. बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा है, रेस्ट इज परफेक्ट. मेरे ख्याल से वो नॉइज थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा. वो बेसिकली इट्स मे बी बिकॉज ऑफ एसी वाला नॉइज होगा. तो थोड़ा सा बाकी एडिशनल कुछ इम्पैक्टेड रहेगा तो आप बताना मेरे को. ओके मालिक, तो मालिक गुड इवनिंग मालिक. होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूँ कि आप तोड़ कर रहोगे मालिक. तो भारत माता की जय मालिक. मालिक, दिस इज बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम ओरिएंटेड बैच फॉर सीए इंटर ऑडिट. तो यहाँ पर अपन सीए इंटर ऑडिट के ऊपर ओके डिस्कशन करने वाले हैं और ये अब आ जाएगा आपका पेपर नंबर 5. ये है पेपर नंबर 5 ओके आपके सीए इंटर सिलेबस का. ओके टेक्निकली ये ग्रुप 2 का पेपर है जो ऑल टुगेदर आप जानते हो. तो अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज अबाउट न्यू सिलेबस. तो यहाँ पर अपन न्यू सिलेबस की बात कर रहे हैं. न्यू सिलेबस में ये पेपर है अपना पेपर नंबर 5. ओके सो बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन अनदर एलिमेंट, थोड़ा सा ये जो बैच है इसका मैं बैकग्राउंड बता दूँ. ये बैच के बारे में क्या क्या कवर होने वाला है, कैसे कवर होने वाला है, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, स्ट्रक्चर वाइज क्लियर कर लेते हैं मालिक. ओके सबसे पहला पॉइंट, दिस इज बेसिकली बैच ऑफ ईओबी. सर ईओबी का फुल फॉर्म है एग्जाम ओरिएंटेड बैच. अब क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सर ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच होता क्या है और ये फुल बैच से कैसे डिफरेंस होता है एंड समथिंग लाइक दैट. मतलब हाउ दिस इज एग्जाम ओरिएंटेड बैच. ओके और ये बैच का नाम एग्जाम ओरिएंटेड क्यों दिया गया है और ये फुल कोर्स बैच से कैसे डिफरेंट है. अगर मेरे पास और एक ऑप्शन दिखा जाए तो फुल कोर्स बैच का ऑप्शन अवेलेबल है तो उसमें से ये कैसे डिफरेंस होता है और ये क्या ये रिविजन बैच है. आंसर इज एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, एग्जाम ओरिएंटेड है, रिविजन नहीं. रिविजन बैच में अपन एक समरी करते हैं, मैराथन वगैरह वैसा करते हैं. ये है एग्जाम ओरिएंटेड बैच. जब मैं वो बोलता हूँ एग्जाम ओरिएंटेड ओके बैच, इसको कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई बोलता है रिविजन बैच भी, पर मैं आपको बता दूँ ये फुल कोर्स बैच है. यानी यहाँ पर मैं कहीं पर भी कोई सिलेबस को कट शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ. यहाँ पर कोई भी ऐसे पॉइंटर को नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं पढ़ना है. ओके यानी बैच में सब कुछ कवर होगा स्टार्ट से लेकर एंड तक. ओके तो सर ये मेन बैच से कैसे डिफरेंस हुआ, क्योंकि मेन बैच में भी आप यही करते हो. तो देखिए थोड़ा सा एलिमेंट आप ये समझने की कोशिश करिए. मेन बैच में अपन यहाँ पर जब मेन बैच की बात करते हैं तो मेन बैच में अपन कहीं ना कहीं चार्ट फॉर्मेट, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, एक स्ट्रक्चर तरीका होता है, एक चार्ट का तरीका होता है, एक स्ट्रक्चर तरीका होता है. तो सर क्या एग्जाम ओरिएंटेड बैच में कोई स्ट्रक्चर तरीका नहीं होगा? ऐसा नहीं है. बैच में ये बैच में भी स्ट्रक्चर तरीका होगा, बट यहाँ पर रैदर देन चार्ट अपन मेनली यूज करेंगे वो है टेक्स्ट बुक. यहाँ पर अपन टेक्स्ट बुक की यूज करेंगे. ओके टेक्स्ट बुक को बेस बनाएंगे और टेक्स्ट बुक के हिसाब से अपन इसको काम करेंगे, क्लोज करेंगे. यूजुअली रेगुलर बैच अगर आप देखोगे तो रेगुलर बैच अगर किसी ने मेरा देखा है या आपने डेमो देखे हैं तो रेगुलर बैच में ऐसा होता है कि अभी यार मेन शीट होगी, मेन शीट में मैं कुछ चार्ट वार्ट बनाऊंगा. ओके उसके बाद वो चार्ट के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, वो चार्ट के परमुटेशन कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे और उसके बाद वो चार्ट का एप्लीकेशन कैसे होता है वो टेक्स्ट बुक में अपन बात करेंगे और टेक्स्ट बुक को उस हिसाब से रीड करके क्लोज करते हैं. लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड बैच की बात करें ये थोड़ा सा टेक्निकली अलग रहेगा. यहाँ पर मैं चार्ट बेसिक बताऊंगा कि आपको इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है, लेकिन यहां पर मेनली आई विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर डायरेक्टली अ टेक्स्ट बुक.
ओके, जो अपन टेक्स्ट बुक यूज करेंगे, जो टेक्स्ट बुक रहेगी वो टेक्स्ट बुक के पार्ट से अपन यहाँ पर वो डिस्कस करेंगे और टेक्स्ट बुक से कंटेंट चालू करेंगे. ओके, यानी यहाँ पर अपन टेक्स्ट बुक को बेस बनाएंगे रेदर देन चार्ट. ये पॉइंट आप पहला पॉइंट डिफरेंस समझिए. दूसरा पॉइंट, ओके, तो क्या सर सारे कॉन्सेप्ट कवर होंगे? आंसर इज यस, सारे कॉन्सेप्ट कवर होंगे. ये पर कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि कॉन्सेप्ट कवर नहीं होगा, या कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि आपका कुछ परमिटेशन कॉम्बिनेशन रह जाएगा. द ओनली थिंग इज, ओके, जो मेन बैच से कॉन्सेप्ट करते हैं तो मेन बैच में कॉन्सेप्ट अपन परमिटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हैं. ओके, अपन बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. ये बैच में वो एग्जाम्पल को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करेंगे, यानी हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर एग्जाम्पल डिस्कस करने को आया तो अपन एक या दो एग्जाम्पल पर अपन क्लोज कर देंगे. दैट इज हाउ द क्लोज कॉन्सेप्ट कम्स विद एग्जाम ओरिएंटेड बैच. ओके, तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच अगर देखा जाए तो रेगुलर बैच का एक छोटा सा रिप्लेसमेंट बैच है. रिप्लेसमेंट बैच इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है जिसने ऑलरेडी रेगुलर बैच कर लिया होगा, ओके, या उसका अटेम्प्ट ऑलरेडी लगा होगा, तो उसको भाई यार वापस को डिटेल करना है, लेकिन रेगुलर जितना टाइम नहीं डालना है, क्योंकि रेगुलर बैच का जो टाइमिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 120-130 आवर्स रहेगा. एग्जाम ओरिएंटेड बैच अपन अप्रॉक्सीमेटली 50 घंटे में खत्म करेंगे मालिक. 50-55 आवर्स का लॉजिक रह सकता है अपना एग्जाम ओरिएंटेड बैच का लॉजिक, आपको ये ध्यान में रखना है. तो जब अपन ऑडिट की बात करेंगे तो अपन यहां पर, ओके, जो टाइम लगाएंगे वो 50 से 55 घंटे के रेंज में लगाएंगे, लेकिन ये घंटे कम कैसे हो रहे हैं मैंने आपको समझा दिया है. ठीक है, तो सर ये बैच की जो खास बात है, ओके, पहला पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड बैच का, ओके, इसके इसका आउटपुट क्या है ये मैंने आपको पहला पॉइंट समझा दिया है सर. ओके, एग्जाम ओरिएंटेड बैच का आउटपुट क्या है. सेकंड, सर ये कौन से अटेम्प्ट के लिए अवेलेबल होगी मालिक, ओके, यानी कौन से अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है. ये है May 24 ऑनवर्ड्स के लिए, यानी अगर आप May 24 में दे रहे हो या November 24 में दे रहे हो, दोनों केसेस में ये बैच एप्लीकेबल है आपके लिए. सर May 25 वाला क्या ये बैच कर सकता है? टेक्निकली ओके, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन क्या होगा May 25 थोड़ा सा ज्यादा लंबा पॉइंट है, तब तक और नई बैचेस रिकॉर्डिंग में आ जाती है, तब तक वो नई बैच को यूज किया बेटर है, क्योंकि कहीं पर कुछ अमेंडमेंट है या कुछ परमिशन कॉम्बिनेशन है, ये डिस्कस किया जा सकता है November 24 बैचेस में. ओके, November 24 के बाद वाले बैचेस में, तो आप May 25 वाले बैचेस, ओके, स्टूडेंट आपको लेना है फटाफट खत्म करना, मतलब टेक्निकली लॉजिक नहीं बनता, आप नया वाला बैच रिकॉर्डिंग जो रहेगा वो ले लीजिए मालिक. ओके, पर क्या ये कर सकते हैं? आंसर इज यस, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि आपका नया सिलेबस है, ये आपको ध्यान रखना है. तीसरा पॉइंट सर ये सिलेबस, ओके, ये कौन सा कवरेज है, ये अगर आपको मालूम होगा इंस्टीट्यूट का जो न्यू सिलेबस आया है उसके लिए कवर किया जाएगा, तो सिलेबस आपका स्ट्रक्चर नया रहेगा. चौथा सिनेरियो सर ये बैच किस मोड में अवेलेबल है, क्या ये बैच फेस टू फेस है? आंसर इज दो, ये फेस टू फेस बैच नहीं है मालिक, ये वर्चुअल मोड में ही अवेलेबल है. वर्चुअल मोड में आपके पास GD वाला अवेलेबल है, PD वाला अवेलेबल होगा ओवर ए पीरियड, मतलब 10-15 दिन के बाद वो PD वाला कॉन्सेप्ट अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए गूगल ड्राइव लिंक आपके लिए अवेलेबल है, गूगल ड्राइव लिंक का कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा मालिक. तो गूगल ड्राइव वाली लिंक अगर आप देखोगे, गूगल ड्राइव वाली लिंक का कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए स्ट्रक्चर बैठ जाएगा मालिक. और उसके अलावा सर क्या ये लाइव स्ट्रीमिंग अवेलेबल है? आंसर इज यस, लाइव स्ट्रीमिंग है, लेकिन खाली इसमें एक दिक्कत है लाइव स्ट्रीमिंग वाले पंटर लोग, मैंने जो जो व्हाट्सएप ग्रुप में है मैंने क्लियर बताया था, लाइव स्ट्रीमिंग में अपने को एक ही चीज चेंज करनी होगी. लाइव स्ट्रीमिंग में हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा टाइम का मैनेजमेंट रहेगा, क्योंकि जो मैं चालू कर रहा हूँ बैच, ओके, कोई दिन होगा जब मैं नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा दूंगा, कोई दिन होगा जो नंबर ऑफ आवर्स बहुत ज्यादा रहेंगे, ओके, ये रहेगा. तो लाइव बैच के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग बैच के लिए जो भी मेरा बंदा कर रहा है उसमें खाली आपको एक एक दिन, दो दो दिन पहले या व्हाट्सएप ग्रुप में आप रहिए, वहां पर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग में शेड्यूल एग्जैक्टली स्ट्रक्चर तरीके से नहीं रहेगा. यानी एग्जाम्पल ये हफ्ते अपनी बैच का टाइमिंग एक्जैक्टली 6 to 6, 6 to 7 रहेगा, 6 बजे से 7-7 बजे तक. नेक्स्ट वीक से ये टाइमिंग थोड़ा सा चेंज होगा, वो अपन को डिस्कशन करना होगा ना, अकॉर्डिंगली अपन उसको क्लोज करेंगे मालिक. तो ये बैच का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट, ओके, ये बैच के लिए बुक्स क्या रहेगी मालिक? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली यही है, ओके, सर बुक्स कौन सी रहेगी? तो मैं आपको बता दूं, ये बैच के लिए जो आपकी बुक्स रहेगी वो मेन बैच की बुक्स ही रहने वाली है. इसीलिए आपको समझा होगा मैंने जो बताया एग्जाम ओरिएंटेड बैच, ओके, नाम है एग्जाम ओरिएंटेड बैच, यानी अपन एग्जाम ओरिएंटेड के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन यहां पर अपन मेन बैच की बुक्स को ही रिफर कर रहे हैं, यानी बुक्स आर ऑल्सो नॉट रिप्लेस्ड. जो आपकी मेन बैच की बुक्स है वही बुक्स अपन यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं मालिक. तो कहीं से भी आप मेन बैच का कॉम्प्रोमाइज, कंटेंट का कॉम्प्रोमाइज आपका यहां पर नहीं होगा मालिक, दैट फॉर श्योर. तो मेन बैच की बुक की बुक्स होगी सर, इसलिए इसमें बुक्स कौन सी होगी तो आपको मैं बता दूं, यहां पर होगा Volume 1A, Volume 1B एंड Volume 1C. सर 1A, 1B, 1C कौन सी होगी? 1A, ओके, आपके लिए कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स के लिए रहेगी, 1B आपके कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स के लिए रहेगी, और 1C आपके कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स के लिए रहेगी. यानी ये टोटल, ओके, सारी बुक्स में चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट डिवाइडेड है. टोटल न्यू सिलेबस में अपने पास 11 चैप्टर्स है सर. कितने चैप्टर्स है? 11. 11 चैप्टर्स में से 4 चैप्टर Volume 1A में है, 4 चैप्टर्स Volume 1B में है, एंड 3 चैप्टर्स Volume 1C में है.
इस तरह से आपके 11 चैप्टर्स डिवाइडेड रहेंगे. ओके, इंडिविजुअली आपको चैप्टर्स देखना होगा. दैट्स टेक्निकली पॉइंट टू बी टेकन केयर ऑफ. ओके, तो सर अगर मैंने ये अभी ऑर्डर किया होगा एग्जाम ओरिएंटेड बैच, तो सर ये बुक्स आने में देर लग जाएगी. तब तक के लिए आपके पास दो चैप्टर की सॉफ्ट कॉपी आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी गई है. नीचे लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, क्या है मालिक. तो टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी आपको सॉफ्ट कॉपी शेयर कर दी गई है, तो वो सॉफ्ट कॉपी वहां पर रिफर कर सकते हैं आप, जब तक आपकी बुक्स नहीं आ जाती मालिक. तो रूपा जी गुड इवनिंग मालिक, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. तो मालिक मेरे ख्याल से ये बुक्स का कॉन्टेक्स्ट भी आपके लिए क्लियर है. तो ये मेरे ख्याल से ये 5-1 पॉइंट है. इसके अलावा कोई पॉइंट आपको होगा जो बेसिकली बैच के रिलेटेड है तो आप मेरे को बताइए. वैसे अगर ये बैच जो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट है गुड इनफ नहीं है, मतलब जो ऑल टुगेदर जिसको परचेज करनी रही, तो सर कहाँ से कर सकते हैं? ये www.atacademy.co.in ओके, यहाँ से कर सकते हैं. या ओके, नंबर है 9820568915. यहाँ पर जाके आप ये बैच के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं मालिक. तो टेक्निकली लेट स्टार्ट विद द कंटेंट. ओके, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया बैच का ये पॉइंट क्या रहेगा, अप्रोच क्या रहेगा. जो लाइव स्ट्रीमिंग अटेंड कर रहा है उसको थोड़ा सा कनेक्ट मेरे साथ व्हाट्सएप पे रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है जैसे अभी ये हफ्ते में अपना 6-7 टाइमिंग रहेगा, अगले वीक में टाइमिंग 6 बजे ही चालू होगा लेकिन थोड़ा लेट तक रहेगा. उसके अगले हफ्ते में शायद ओके आई विल बी टेकिंग ओके 5-6 घंटा दिन का एक साथ में. तो टेक्निकली लाइव स्ट्रीमिंग वाले आप थोड़ा सा इसको याद रख लेना. नेक्स्ट 3 हफ्ते में अपन मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन कवर कर लेंगे, जहां पर अपन कवरेज ऑलमोस्ट आपका कवर हो जाएगा. तो बैच का ड्यूरेशन क्या रहेगा अगर मैं बोलूँ, तो टेक्निकली मेरे ख्याल से मोटा मोटी मैक्सिमम कवरेज आपका शिवरात्रि के पहले खत्म हो जाएगा. शिवरात्रि मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 मार्च तक आपका मैक्सिमम खत्म हो जाना चाहिए. उसके बाद जो बचेगा वो शिवरात्रि के बाद ओके अपन 1-2 दिन आगे पीछे करके कर लेंगे वाले. ओके, समथिंग अराउंड 11th को 11th 12th, जो भी 6th के बाद 11th 12th 13th मैक्स टू मैक्स, तो एक 15 मार्च अपन मैक्सिमम पकड़ते. 15 मार्च के लाइन ऑफ पे पहले खत्म हो जाता. बट उसमें सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया, पहले हफ्ते में अपना सीक्वेंस ये रहेगा, सेकंड हफ्ते में सीक्वेंस भी यही रहेगा, थर्ड वीक में सीक्वेंस अपन थोड़ा चेंज करेंगे और फोर्थ वीक में भी सीक्वेंस चेंज होगा मालिक. तो मेरे ख्याल से जो लाइव कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है. ओके, व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप टीम से बात करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो. ओके, वहां पर सारा कम्युनिकेशन हो जाता है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट. ओके, अपन शुरुआत करते हैं अपने बैच की तरफ, जो अपना स्ट्रक्चर्ड पॉइंट है जहां पर अपनी शुरुआत हो रही है. ओके, स्टार्टिंग विद इंटर ऑडिट. ओके, बिफोर स्टार्टिंग सर कौन से चैप्टर्स है, क्या है. ओके, या पुराने सिलेबस से नए सिलेबस में क्या चेंजेस है. ऐसा हो सकता है जो स्टूडेंट है वो पुराना सिलेबस वाला स्टूडेंट है, जो ऑलरेडी नवंबर 23 में दे चुका है और मई 24 में वापस अटेम्प्ट दे रहा है, उसके लिए उस केस में क्या करेगा, क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं मालिक. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा. नहीं मालिक, आरजे भाई यूट्यूब पर नहीं रहेगा. ओके, ये ऑल टुगेदर इसके 5-1 लेक्चर्स आपको, 4-5 लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर मिलेंगे. ओके, उसके बाद से ये अपने ऐप पर शिफ्ट हो जाएगा. तो आपको जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह वगैरह जो भी रहेगी वो ऑल टुगेदर आप जो पहले नंबर मैंने बताया था एटी एकेडमी का, वहाँ से बात कर सकते हैं. अमित तात्रिक एकेडमी वाला कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर बात करिए, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मालिक. ओके, तो सर बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग मेरे ख्याल से आपको मैं बता दूं, पोर्शन अपना जो Volume 1A, Volume 1B, Volume 1C ओके, किस कंटेक्स्ट में जाएगा, किस कंटेक्स्ट में रहेगा, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं. मतलब सिलेबस से ज़्यादा पहले मैं आपको बता दूं स्टैंडर्ड्स के लिंकेज. तो आप मेरे साथ सब लोग तोड़ रही है और स्टैंडर्ड के लिंकेज को कॉन्सेप्टली समझने की कोशिश करिए. मैं ऑल टुगेदर आपको एक लिस्ट बता रहा हूँ जहाँ पर स्टैंडर्ड्स का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, क्या कवरेज रहेगा, और उसके बाद मतलब आज का पॉइंट आप एजेंडा समझ लीजिए. आप बेसिक बैकग्राउंड देखिए, आपके चैप्टर्स क्या है क्या नहीं है उसके ऊपर बात करिए और उस चैप्टर्स को उस हिसाब से क्लोज करिए मालिक. तो सबसे पहला मेरा पहला डिस्कशन आपके साथ आता है. ओके, अपन बात करते हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग कितने एंगेजमेंट ले सकते हैं, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम कितने एंगेजमेंट ले सकते हैं. सर ये एंगेजमेंट होते क्या है, बेसिकली आप कितना कौन से काम ले सकते हो. अगर अपन सीए बन जाते हैं, सीए बनने के बाद अपन अपनी ऑफिस खोलते हैं यानी प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस में आप क्या क्या काम कर सकते हो इसकी बात की गई है. प्रैक्टिस में अपन जो जो काम ले सकते हैं उसको अपन बोलते हैं ओके एंगेजमेंट. ओके, एंगेजमेंट का कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या रहेगा वो अपन डिस्कस कर रहे हैं मालिक. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट विच आर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज डूइंग इन अ प्रैक्टिस, तो आप उसके लिए टेक्निकली 4 एंगेजमेंट में डाल दीजिए मालिक. सर 4 एंगेजमेंट कौन से है. सर सबसे पहला एंगेजमेंट रहेगा आपके लिए ऑडिट एंगेजमेंट, दूसरा एंगेजमेंट रहेगा आपके लिए रिव्यू एंगेजमेंट. पहले ये 2 एंगेजमेंट की बात कर लेते हैं. पहला एंगेजमेंट है आपके लिए ऑडिट एंगेजमेंट, दूसरा एंगेजमेंट है रिव्यू एंगेजमेंट. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगेजमेंट. ओके देखिए, और थोड़ा सा टेक्निकली आप ध्यान रखना. ओके, जो मेन बैच और ये बैच में एक और एक जो मैंने आपको बताया कि भाई आपको यहाँ पर मैं चार्ट बनवाने का स्ट्रक्चर का पॉइंट है. जैसे ही अपन चैप्टर पे शिफ्ट होंगे अपन टेक्स्ट बुक को रिफर करेंगे, तो जब तक अपन चैप्टर पे शिफ्ट नहीं होते कुछ डिस्कशन करना होता है तो मैं ये चार्ट के बेसिस पे करता हूं.
थोड़ा सा आप स्पीड में रहना क्योंकि अपना टारगेट है भाई मालिक, देखिए ओके 100 घंटे का काम, 120 घंटे का काम अगर अपने को 50 घंटे में करना है, और 50 घंटे में कोई क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, तो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, तो कंटेंट की थोड़ी सी रैशनल स्पीड बढ़ेगी मालिक, तो आप थोड़ा सा कंटेंट को स्पीड में आपको ध्यान रखना है ओके। तो क्योंकि मेरा एजम्पशन ये है कि आप ऑलरेडी अटेम्प्ट दे चुके हो और ऑलरेडी ऑल टुगेदर आपका ये पार्ट हो गया है। तो सर क्या ये कोई बंदा है जो स्टूडेंट है जो अटेम्प्ट नहीं दिया है, पहली बार एग्जाम देने वाला है, पहली बार पढ़ाई कर रहा है, वो ये बैच रिफर कर सकता है क्या? क्योंकि कंटेंट वाइज अगर अपन ये बात करें तो बैच खाली पिछले वाले ने रिफर करना चाहिए क्या जो पिछला एग्जाम दे चुका है? आंसर इज नो, क्योंकि मैंने आपको बताया दिस इज एन एग्जाम ओरिएंटेड बैच, एग्जाम ओरिएंटेड रिविजन बैच नहीं बोला मैंने, मैंने इसलिए बोला एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, यानी अगर कोई बंदा पहली बार पढ़ रहा है और एग्जाम के लिए पढ़ रहा है बिंदास ये बैच के साथ जा सकता है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, आपके एग्जाम के हिसाब से कवर सब कुछ किया हुआ है, कोई भी चैप्टर में फिल्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस स्पीड में रहेगा। तो जो भी पढ़ना चाहता है, देखो अभी ऐसा हो सकता है कोई बाद में बैच, मतलब कोई मार्च में आ रहा है अप्रैल में आ रहा है और वो बोल रहा है भाई यार मेरे को मई में एग्जाम देनी है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, इस केस में मुझे पढ़ाई करनी है, तो इस केस में ये बैच सूटेबल है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा स्पीड में रहना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए मालिक। क्या समझ में, सब समझ में आएगा मालिक? अपन तो तोड़ कॉन्सेप्ट, तोड़ अपन हिटी उसके लिए है मालिक, क्या कॉन्सेप्ट के लिए तोड़े अपन मालिक, तो समझ में नहीं आएगा ऐसी बात होगी नहीं मालिक, और तोड़ समझ में आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, समझ में नहीं आएगा तोड़ समझ में आएगा, आप समझ रहे हो, आपको तोड़ समझ में आएगा, ये कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं मालिक, तो आपको तोड़ समझाने के पीछे अपन डिस्कशन चालू, तो तोड़ क्या समझाते हैं देखते हैं मालिक, तोड़ समझाने की बात करते हैं, तोड़ समझाने की कहानी को क्लोज करते हैं मालिक ओके। तो सबसे पहले पॉइंट इंगेजमेंट, कितने प्रकार के इंगेजमेंट एक सीए ले सकता है जो प्रैक्टिसिंग सीए है? चार प्रकार के इंगेजमेंट है, पहला है ऑडिट इंगेजमेंट, दूसरा है रिव्यू इंगेजमेंट, ये आपको ध्यान रखना होगा, तीसरा चौथा नाम बाद में बोलता हूँ। सर पहले ऑडिट इंगेजमेंट ओके होता क्या है और रिव्यू इंगेजमेंट होता किसका है? ओके ये दोनों इंगेजमेंट किसके होते हैं? तो ऑडिट इंगेजमेंट जो होता है वो होता है HFI का, सर HFI का फुल फॉर्म हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, और रिव्यू इंगेजमेंट भी होता है वो होता है HFI का हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर व्हाट इज एन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? एक ऐसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऐसे कुछ इवेंट्स, ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन जो हो चुके हैं। जब मैं बोल रहा हूँ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी ऐसे कोई ट्रांजेक्शन है, ऐसे कोई इवेंट्स है जो ऑलरेडी हो चुके हैं, हिस्टोरिकल नाम दिया गया है, हिस्टोरिकल ऑलरेडी हो चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट में बात करते हैं, जिसको बोलते हैं अपन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मालिक। तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ओके, उसका ऑडिट करना, उसका रिव्यू करना, ये एजेंडा हो सकता है ऑडिट और रिव्यू में। तो ऑडिटर रिव्यू में हम लोग वो ट्रांजेक्शन जो बीत चुके हैं उसके ऊपर अपन काम करते हैं ओके। तो एग्जांपल ओके, अगर मैं ऑडिटर हूं या मैं रिव्यूअर हूं, तो मैं कभी भी ऑडिट या रिव्यू कब करूंगा? जब ईयर एंड हो जाएगा उसके बाद। जब तक ईयर एंड नहीं होगा, मतलब ईयर एंड नहीं होगा मतलब टेक्निकली जब तक ट्रांजेक्शन नहीं होगा उसका ऑडिट करना या उसका रिव्यू करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ट्रांजेक्शन होने के बाद हम कुछ ओपिनियन देते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑडिट ओपिनियन या रिव्यू ओपिनियन। तो सर फिर ऑडिट और रिव्यू तो सेम हो गया ना, क्योंकि ऑडिट भी अपन HFI का दे रहे हैं, रिव्यू भी अपन HFI का कर रहे हैं। नहीं, दोनों में और एक सबसे बड़ा फर्क है, शायद आपको मालूम हो ओके। ऑडिट में जो फर्क है ओके, ऑडिट और रिव्यू में जो फर्क है, ऑडिट में हम RA देते हैं, रिव्यू में हम ओके LR देते हैं। सर व्हाट इज एन RA? ओके RA का मतलब क्या है? LR से ज्यादा LA बोलते हैं। RA का मतलब क्या है सर? RA का मतलब है, शायद सुना हो ओके, आपका फेवरेट वर्ड रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं सर। LA का मतलब लिमिटेड एश्योरेंस। मैं वापस बोल रहा हूं सर, ऑडिट हो या रिव्यू हो, दोनों हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के होते हैं, कोई भी फ्यूचर या प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का नहीं होता। तो कोई भी चीज ओके फ्यूचर के बारे में नहीं है यहां पर, यहां पर जो भी है वो पास्ट हिस्ट्री के बारे में है, दैट इज वॉट वी आर डिस्कसिंग हियर। वन इज रीजनेबल एश्योरेंस एंड वन इज लिमिटेड एश्योरेंस। तो सर ये दोनों में फर्क क्या होता है? देखो ओके, ये दोनों एश्योरेंस के पहले मैं आपको एक एश्योरेंस और एक बता दूं, एक शायद नाम सुना हो आपने सर, वो कौन सा नाम है ओके जो आप बताना चाहते हो? एक होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस AA। सर एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब क्या? एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब 100% एश्योरेंस। जब मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस की बात कर रहा हूं वो 100% एश्योरेंस हो गया। 100% एश्योरेंस मतलब मैं गारंटी देता हूं, मैं गारंटी देता हूं। ना ऑडिट में ना रिव्यू में कोई गारंटी नहीं देते, इसीलिए ऑडिट और रिव्यू में दोनों के केस में एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है मालिक। दोनों के केस में एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है मालिक, ये याद रखिए। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है मालिक। तो ऑडिट में जो आपका होता है रीजनेबल एश्योरेंस। सर अब ये एब्सोल्यूट एश्योरेंस से रीजनेबल एश्योरेंस कैसे डिफरेंस है? ओके, रीजनेबल एश्योरेंस इज एन एश्योरेंस विच इज नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस बट हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस।
रीजनेबल एश्योरेंस इज नॉट एन हाई लेवल, नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस बट हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, यानी टू बी वेरी प्रिसाइज, ओके वो 100% एश्योरेंस नहीं है लेकिन 100% से ओके नजदीक में है, जिसको हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं एग्जांपल 97% एश्योरेंस, 95% एश्योरेंस, 95%, 93% एश्योरेंस, इट कैन बी एनी एश्योरेंस विच इज एन हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। तो आपको टेक्निकली समझना पड़ेगा जो रीजनेबल एश्योरेंस होता है, रीजनेबल एश्योरेंस कोई भी एश्योरेंस हो सकता है जो हाई एश्योरेंस होगा, कितना एश्योरेंस होगा हाई बट एब्सोल्यूट नहीं होगा। तो 100% गारंटी ऑडिट में 100% अपन गारंटी नहीं देते हैं, हम ऑडिट में ऐसा लिख के ही नहीं देते हैं कि भाई मैं गारंटी देता हूं कि इसमें कोई झोल नहीं है, हम ऑडिट में ऐसा देते ही नहीं है लिख के मैं गारंटी देता हूं इसमें कोई झोल नहीं है मालिक, ओके दैट इज व्हाट वी कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस, ओके आप ये समझ करो मालिक, ओके तो अगर मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस देता तो ऑडिट के अंदर मैं बोलता था भाई 100% गारंटी है भाई कोई भी बिंदास, तो मैं बोल रहा हूं वो बिंदास रिलाई कर, ऐसा नहीं हो सकता मालिक। तो ऑडिट के अंदर हम देते हैं रीजनेबल एश्योरेंस, कौन सा एश्योरेंस बेटा, रीजनेबल एश्योरेंस। तो सर फिर और एक एश्योरेंस की नाम बताइए आपने, ओके वो है लिमिटेड एश्योरेंस, वो कौन सा हुआ, लिमिटेड एश्योरेंस ओके इज अगेन एन एश्योरेंस बट नॉट एज मच एज रीजनेबल एश्योरेंस। जो भी एश्योरेंस दिया जाता है वो ओके एश्योरेंस अच्छा ही एश्योरेंस है, ओके एश्योरेंस है, कॉन्फिडेंस है, लेकिन रीजनेबल एश्योरेंस जितना नहीं है, रीजनेबल एश्योरेंस से कम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड एश्योरेंस। वैसे टेक्निकली अपना जो इंटर का सिलेबस है वो खाली रीजनेबल एश्योरेंस तक सीमित है, ओके लिमिटेड एश्योरेंस वगैरह ये सब सीए फाइनल में जाने के बाद पढ़ोगे, लेकिन यहां पर आपके चैप्टर वन में ये कॉन्सेप्ट कवर किए गए जिसको आपको इसके लिए रीड करना जरूरी है, आपको इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है बिकॉज ये चैप्टर वन में कॉन्सेप्ट कवर किया गया है मालिक। तो मालिक टेक्निकली कॉन्सेप्चुअली बात करें मालिक ओके आपके साथ, तो मेरा क्वेश्चन ये है, सबसे पहला कितने प्रकार के एश्योरेंस आपको स्क्रीन में दिखते हैं, तो तीन प्रकार के एश्योरेंस दिखते हैं आपको, एक होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस, एक होता है रीजनेबल एश्योरेंस, एक होता है लिमिटेड एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस में मैं बोलता हूं 100% गारंटी है, रीजनेबल एश्योरेंस में बोलता हूं ओके भाई गारंटी नहीं है पर हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस दे रहा हूं, हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दे रहा हूं तेरे को, मुझे हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है और तेरे को भी मैं हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दे रहा हूं। और लिमिटेड एश्योरेंस में हम ओके एक एश्योरेंस रीजनेबल एश्योरेंस से कम दिया जाता है। तो यूजुअली अगर आप ऑडिट देखोगे तो ऑडिट में टेक्निकली ओपिनियन क्या रहता है बेटा, ऑडिट में सुना हुआ अगर आपने टेक्निकली ओपिनियन क्या रहता बेटा, ऑडिट में ओपिनियन क्या रहता, हमेशा सुना हुआ है कभी ऑडिट में जो भी ओपिनियन रहता है वो हम लोग ऐसे देते हैं कि हमने जो भी कॉन्सेप्ट किया होगा ऑडिट में हम हमेशा लिंक देते हैं, हमेशा ये पॉइंट देते हैं मालिक राजा जी परचेस करना है तो आप एक नंबर पे कॉल कर दीजिए, ओके नंबर शेयर कर देगी टीम इसके ऊपर, तो नंबर शेयर कर देगी तो उस पर आप कर सकते हैं मालिक, ओके तो मालिक मेरा क्वेश्चन है रीजनेबल एश्योरेंस और हाई लेवल एश्योरेंस ये दोनों में डिफरेंस क्या है, पहला तो लॉजिक क्लियर हो गया कि हाई लेवल रीजनेबल एश्योरेंस और एब्सोल्यूट एश्योरेंस में डिफरेंस क्या है, तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस 100% एश्योरेंस होता है, रीजनेबल हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है, मेरे ख्याल से पहला पॉइंट इधर तक क्लियर है सबको, ओके अब मेरा क्वेश्चन ये आता है रीजनेबल एश्योरेंस में अपन ओपिनियन क्या लिखते हैं, अपन ऑडिट ओपिनियन क्या देते हैं, याद है कुछ ऑडिट ओपिनियन क्या देते हैं अपन, व्हाट इज एन ऑडिट ओपिनियन मालिक, ऑडिट ओपिनियन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑडिट ओपिनियन हमेशा ऐसा देते हैं, ऑडिट ओपिनियन में हम लोग हमेशा ऐसा लिखते हैं कि भाई हमारे हिसाब से ओके हमने पूरा ऑडिट किया है और हम बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, क्या बोल रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक AFRF के हिसाब से है ट्रू एंड फेयर है, ओके ऐसा हम लिखते हैं ऑडिट में, हम ऑडिट में ऐसा लिखते हैं मालिक, ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है ये कॉन्सेप्ट लिखा जाता है मालिक। अब थोड़ा टेक्निकली बात करें ओके जब हम लिमिटेड एश्योरेंस देते हैं या रिव्यू देते हैं तो रिव्यू में ओपिनियन क्या देते हैं मालूम है क्या, हम रिव्यू में ओपिनियन ऐसा नहीं देते फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, रिव्यू में ओपिनियन ऐसा नहीं दिया जाता फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, रिव्यू में ओपिनियन हम देते हैं हमारी नजरों में कुछ ऐसा नहीं आया जिसकी वजह से हमको लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है, यानी पॉइंट टू बी नोटेड लिमिटेड एश्योरेंस जब भी हम देते हैं ना हम नेगेटिव वे से ओपिनियन देते हैं कि हमको कुछ ऐसा दिखाई नहीं जिससे हमको लगता है कि भाई इस पे विश्वास नहीं करना चाहिए, और जब हम ऑडिट करते हैं हम बोलते हैं इस पे विश्वास करो बिंदास हमने काम किया है, लेकिन गारंटी नहीं देते, गारंटी होता तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस हो जाता मालिक, तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज बेसिकली ए गारंटी, रीजनेबल एश्योरेंस इज बेसिकली हाई लेवल एश्योरेंस, कॉन्फिडेंस देना होता है, और लिमिटेड एश्योरेंस मतलब हमारी नजर में कुछ नहीं आया, बट टेक्निकली दोनों की दोनों अगर आप ऑडिट की बात करो या रिव्यू की बात करो दोनों की दोनों किसका होता है, HFI का होता है सर, HFI का फुल फॉर्म हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, सर जब मैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं तो अभी की जानकारी के लिए जैसे मैं टेक्स्ट बुक में जाऊंगा आपको मैं रटने की प्रक्रिया बताऊंगा, रटना मतलब कॉन्सेप्चुअली रटना रहे
आपको मैं बताऊंगा। ओके, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होता है, अभी के लिए इतना जानिए। ओके, ऐसे कोई ट्रांजेक्शन, ऐसे कोई इवेंट जो हो चुके हैं, जा चुके हैं मालिक, जा चुके हैं हो चुके हैं, उस इवेंट्स और ट्रांजेक्शन को हम या तो ऑडिट करते हैं, रिव्यू करते हैं। ओके, तो मेरे को बताओ, एक कंपनी आती है, कंपनी बोलती है, सुनिए मालिक, सारी आत्मा मेरे साथ सुनिए, एक कंपनी आती है, कंपनी बोलती है, ओके, एक एक्स लिमिटेड, सपोज एक्स लिमिटेड आती है, एक्स लिमिटेड बोलती है, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया 1/4/23 से लेकर 31st मार्च 24 तक। इमेजिन करो, 31st मार्च 24 हो चुका है, खत्म हो चुका है मालिक। ओके, कंपनी ये बोलती है, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी बना दिया है। ओके, अच्छा, वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी चीजें आती है अगर आपको याद है तो? ओके, पांच चीजें सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है मेरे को बता? बैलेंस शीट होती है, पीएनएल होता है, कैश फ्लो होता है, नोट्स होता है, चेंजेस इन इक्विटी होता है। सर ये मुझे कहां से मालूम पड़ा ये सब चीजें होती है? सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट, अगर आपको याद होगा कंपनीज एक्ट में सेक्शन 129 होता है जिसमें ये सारी चीजें लिखी होती है बेटा। ओके, अब एक्स लिमिटेड है जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी बना दिया है। सर हम कहा, मतलब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया है, अब इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑलरेडी बन चुके होंगे, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम या तो ऑडिट कर सकते हैं, नहीं तो रिव्यू कर सकते हैं। आप समझ रहे हो, इसीलिए इसको बोलते हैं अपन HFI। हम ऑडिट कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। ओके, ये लॉजिक आप ध्यान रखिए। ओके, ये HFI का कॉन्सेप्ट है। मेरे ख्याल से भारत माता की जय। झेपा क्या मालिक? झेपा क्या मालिक? झेपा क्या? अगर आप देखोगे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट है। ओके, मेरे ख्याल से इधर तक क्लियर है मालिक, ठीक है, बढ़िया। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं। ओके, लॉजिक बेटर है आपके दिमाग में क्या बोल रहा हूं मैं। अब एक्स लिमिटेड क्या कर रही है? एक्स लिमिटेड आ रही है, एक्स लिमिटेड बोल रही है, ओके, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है 1/4/24 से लेकर 31st मार्च 29 तक, अगले पांच साल के मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये पांच साल के मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया। बढ़िया मालिक, तोड़ मालिक। तो BYM तोड़ मालिक, स्नेहा जी तोड़, सुनील भाई तोड़। ओके, मेरे ख्याल से मालिक आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अब ये अगले पांच साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया और हम लोग कौन से साल में? 24 में। अब एक्स लिमिटेड बोलती है कि मेरे को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैंने आपको बना के दिए हुए, ओके, ये FS जो बनाए अगले पांच साल के, इसका ऑडिट करिए। देखो, ऑडिट करना मतलब मैंने रीजनेबल अश्योरेंस देना कि भाई यार ये जो ट्रांजेक्शन हुए थे सही हुए थे, ओके, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ट्रू एंड फेयर है। मेरे को बताओ आगे वाला भविष्य का कैसे रीजनेबल अश्योरेंस दूं मालिक में? मेरे को आप ये समझाइए कैसे कैसे दे सकते हैं? रीजनेबल अश्योरेंस हो ही नहीं सकता। तो कभी भी ये याद रखिए, एक्स लिमिटेड जो पुराना हो चुका है, जो पुराना पास्ट है, ये पास्ट जो हो चुका है उसका आप ऑडिट कर सकते हो या रिव्यू कर सकते हो, लेकिन जो आगे वाला आने वाला है उसका ना ऑडिट हो सकता है ना रिव्यू हो सकता है मालिक। लॉजिक सिंपल है सर। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने लिखा होगा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने क्या लिखा होगा? आपने लिखा होगा मेरा सेल्स, ओके, 500 करोड़ है या होगा। व्हाट यू हैव रिटन इन दिस, यू मे हैव रिटन दैट सेल्स विल बी 500 करोड़। प्रोबेबिलिटी इज दैट 500 करोड़, इट इज नॉट 500 करोड़। ओके, यानी आप देखिए, अगर मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल में जाता हूं, ये फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में जाता हूं और मैं सेकंड वाले एग्जाम्पल में रहता हूं, फर्स्ट वाले इसमें आपका सेल्स होगा 500 करोड़, सेकंड वाले में आप बोल रहे हो सेल्स होने वाला है 500 करोड़। अब मेरे को बताओ क्या ये चांसेस है कि ये 500 करोड़ हो भी? पॉसिबिलिटी है दिस में हैपन और दिस में नॉट हैपन। अब जब मैं बोल रहा हूं नॉट हैपन का टेक्सचर आपको समझा होगा, नॉट हैपन का कॉन्सेप्ट आपको समझा होगा। नॉट हैपन मतलब क्या सर? नॉट हैपन का लॉजिक एकदम सिंपल है। नॉट हैपन का लॉजिक है ऐसा पॉसिबिलिटी है कि 500 करोड़, ओके, इट मे हैपन दैट इट मे हैपन द सेल्स मे बी 499 करोड़, सेल्स मे बी 450 करोड़, सेल्स मे बी 100 करोड़, सेल्स मे बी 700 करोड़, इट कैन बी एनीथिंग ना। जब मैं बोल रहा हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज मच वाइडर। ओके, एग्जैक्टली 500 करोड़ भी ना हो पॉसिबिलिटी है, तो इस केस में ओके, पर ये केस में एक्स लिमिटेड बोलते हैं ऑडिटर आप कुछ तो करिए। मैं बोला यार मैं कैसे साइन कर सकता हूं इसको, मैं किसका कैसे ऑडिट कर सकता हूं, कैसे इसका रिव्यू कर सकता हूं, कुछ भी मदद चल रहा क्या? अरे जो चीज होने वाली है वो उसका मैं ऑडिट के लिए मेरे को एग्जांपल आप बोल रहे हो सैलरी इतना खर्चा होने वाला है, तो मैं सैलरी का एविडेंसेस लूंगा आपसे। मैं बोलूंगा मेरे को सैलरी दिखाओ तो सही, सैलरी कितनी हुई, खर्चा किधर हुई है ये मेरे को बताओ। अरे ये आप बताओगे, अरे इसमें बताओगे किधर? सेकंड सिचुएशन में किधर मेरे को मालूम पड़ेगा मालिक? सेकंड सिचुएशन में तो मेरे को मालूम ही नहीं पड़ने वाला है। तो सेकंड इसमें मैं ऑडिट कैसे करूं, मैं रिव्यू कैसे करूं,
इसीलिए ओके और एक कॉन्सेप्ट याद रखना, तीसरा इंगेजमेंट जो अपनी इंस्टीट्यूट लेकर आती है ओके वो होता है एश्योरेंस इंगेजमेंट. कौन सा इंगेजमेंट? एश्योरेंस इंगेजमेंट. और इसको एश्योरेंस है अदर देन HFI, अदर देन HFI. मेरे ख्याल से सब लोग क्लियर है. अदर देन HFI, अदर देन HFI यानी अगर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को छोड़ दिया उसके अलावा कुछ एश्योरेंस देना है तो हमको अगला इंगेजमेंट और एक आता है एश्योरेंस इंगेजमेंट, इस कैटेगरी में जाना होगा. तो पहली कैटेगरी है आपकी ऑडिट कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी है रिव्यू कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी है एश्योरेंस कैटेगरी. अब जब मैं एश्योरेंस की बात कर रहा हूं, अदर देन HFI बताया, तो मेरे को बताओ ये जो स्क्रीन पे आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं ये हिस्टोरिकल है या होने वाला है? ये होने वाला है. इसको कहीं ना कहीं मैं इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलता हूं, इसको बोलता हूं प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या बोलता बेटा? प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये प्रोजेक्शंस है मालिक, प्रोजेक्शंस है, फोरकास्ट है. ओके अब आप बोलोगे सर इसमें एश्योरेंस क्यों देना है, क्लाइंट क्यों आता है हमारे पास? एग्जांपल एक्स लिमिटेड को सपोज बैंक लोन लेना है, एक्स लिमिटेड को बैंक लोन लेना है. अब टेक्निकली सोचिए बैंक लोन के लिए वो बैंक के पास गया, बैंक को बोला ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगले 5 साल के. बैंक बोलती है तूने बना तो लिया इतने पर तेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉन्फिडेंस कैसे लूं, तेरे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मुझे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? बैंक बोलती है मेरे को कॉन्फिडेंस देने के लिए कुछ तो कर. तो भाई इसीलिए ओके एक्स लिमिटेड आया CA के पास और बोला मेरे को इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन करके देते. तो अपन ने वो पहले बोला ऑडिट नहीं हो सकता, रिव्यू नहीं हो सकता, बोले कुछ तो साइन करके देते कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं है. इसीलिए ये कैटेगरी को अपन बोलते हैं ओके यानी मुझे क्या देना है, मुझे एश्योरेंस ही देना है. लेकिन मेरे को एक चीज बताओ, क्या इसमें मैं ऐसा लिखूंगा, इस प्रोजेक्शन में ऐसा लिखूंगा सेल्स 500 करोड़ बरोबर है? नहीं, कभी भी अपन इस पे एश्योरेंस ऐसे नहीं देते कि सेल्स 500 करोड़ बरोबर है. ये कब होता है मालूम है? HFI जो ऑलरेडी हो चुका है तो हम बोल सकते हैं कि सेल्स 500 करोड़ बरोबर है मालिक. ओके सर मेरे ख्याल से मालिक समझा. मालिक प्रशांत भाई सर ग्रेजुएशन बीकॉम है ऑडिटर कैसे बने? प्रशांत भाई अपन इसके लिए थोड़ी सी चर्चा अलग कर सकते हैं. अभी वाला जो वीडियो चल रहा है ये एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच का चल रहा है, बैच चल रही है. एक दिन मालिक अप्रैल में फ्री हो जाएंगे आप जब बोलो, और अप्रैल में एक वीडियो बनाएंगे अपन ऑडिटर कैसे बने उसके ऊपर. ठीक है मालिक ओके उस टाइम पे अपन इसके ऊपर चर्चा करेंगे. अभी हाल फिलहाल दो इसमें अपन 2 महीने के लिए अपन कुछ करने वाले नहीं. 2 महीने में अपन रिवीजन मैराथन क्रैश कोर्स ओके इसमें सब अटके पड़े मालिक. अप्रैल में अपन थोड़ा सा फ्री रहेंगे रिलेटिवली, तब आपसे मिलते हैं मालिक 100%. और हो सकता है आपसे उत्तराखंड आके मिल जाए मालिक. ओके बाबा केदारनाथ की जय हो, उधर आके मिल लेंगे मालिक, कोई टेंशन नहीं है मालिक, है ना प्रशांत भाई? ओके सो अपन ये बैच का एजेंडा बरोबर इसी में रखते हैं मालिक. तोड़ मालिक तो थोड़ा मालिक जो लाइव अटेंड कर रहे हैं मालिक ऐसा होगा, यूट्यूब पे रहेगा 3-4 दिन 4-5 दिन रहेगा, तो ऐसा अलग अलग पॉइंट पे आएंगे डिस्कशन. तो कभी कभी यार थोड़ा सा एडजस्ट करना मालिक, क्या दिक्कत है अपने लिए, तो भाई सिनारियो यही है. तो टेक्निकली मालिक अब मेरे को बताओ ये प्रोजेक्शन जो है, ये प्रोजेक्शन जो है क्या इसमें मैं ऐसा बोल सकता हूँ 500 करोड़ बरोबर है? आंसर इज नो. लेकिन पॉइंट टू नोटेड, ये 500 करोड़ बनाने के लिए मैनेजमेंट ने कुछ तो एजम्पशन लिए होंगे. मेरे को बताओ मैनेजमेंट कैसे बोल रहा है कि ये 500 करोड़ सही है? मैनेजमेंट कैसे बोल रहा है ये 500 करोड़ सही है? मैनेजमेंट कैसे बोल रहा है, मैनेजमेंट कैसे बोल रहा है ओके ये 500 करोड़ सही है? मैनेजमेंट बोल रहा है कि मैंने जो एजम्पशन लिए, देख भाई इतने साल ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा ग्रोथ होने वाला है, ऐसे ऐसा आगे बढ़ने वाला है, ओके ये ग्रोथ सही है, ये बेसिस पे ओके मैं बोल रहा हूँ कि 500 करोड़ मेरा सेल होगा. अब इसका मतलब मैनेजमेंट ने क्या लिया? एजम्पशन. तो हम इस पे क्या बोलते हैं मालूम है? ऐसे इंगेजमेंट में, मतलब कौन सा वाला इंगेजमेंट? एश्योरेंस इंगेजमेंट अदर देन HFI. हम इस पे क्या बोलते हैं मालिक? हम इस पे बोलते हैं, पॉइंट समझने को छोड़ो, हम इस पे बोलते हैं कि भाई साहब सब लोग मेरे साथ में, हम इस पे बोलते हैं कि जो एजम्पशन लिए ना मैनेजमेंट ने वो सही है. एजम्पशन जो मैनेजमेंट ने एजम्पशन लिया ना वो सही है. समझ में आया कुछ? एश्योरेंस हम एश्योरेंस देते हैं कि एजम्पशन सही है. हम एश्योरेंस देते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है ऐसा नहीं बोलते, हम एश्योरेंस देते हैं कि एजम्पशन सही है. मेरे ख्याल से आत्मा झेपा क्या एवरीबडी 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 तोड़ मालिक. ओके सो अब एक और एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपके साथ, थोड़ा सा टेक्निकली समझने का छोड़ो. ओके और एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये एग्जाम्पल को अच्छे से समझिए. मैं वापस बोल रहा हूँ, आज के एजेंडा में आप ये पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लीजिए. चैप्टर वन का बैकग्राउंड है मालिक, ये पूरा चैप्टर वन का पूरा बैकग्राउंड रहेगा. चैप्टर वन का आप ये देख लेना ओके यानी कल लेक्चर होगा, अपन चैप्टर वन ऑलमोस्ट डन कर देंगे, क्योंकि आपका चैप्टर वन का ऑल टुगेदर कॉन्सेप्ट मैं अभी कवर कर रहा हूँ अच्छे से. तो बहुत अच्छे से समझना, ये लेक्चर चैप्टर वन के रिलेटेड में बहुत अच्छे से जाएगा. और पहला अपना होगा Volume 1A. अपन Volume 1A को खत्म करेंगे. Volume 1A का जैसे जैसे चैप्टर होगा ओके फर्स्ट एंड सेकंड, उसके बाद थोड़ा सा शिफ्ट होंगे, अपन बताएंगे, मैं आपको बताते रहूंगा मालिक. तोड़ मालिक तो बढ़िया से मालिक, मेरे ख्याल से सब लोग सही चल रहे हैं, सब लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ. तोड़ मालिक ओके तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. देखिए एक कैप जेमिनी लेते हैं. कैप जेमिनी एक कंपनी है मालिक, कैप जेमिनी एक कंपनी है
कैपजेमिनी है ना, ओके, सबके लिए सैलरी स्लिप बनाती है, सैलरी कैलकुलेशन करती है और सैलरी स्लिप बनाती है, एंड सैलरी स्लिप बनाती है सर किसके लिए, सबके लिए सर, मैं जब बोल रहा हूँ सबके लिए, इसका इंटरप्रिटेशन क्या जाएगा, सबके लिए मतलब ओके टेक्निकली ओके सारी कंपनी, मतलब किसी को अगर सैलरी बनाने में या ये कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही होगी तो आप कैपजेमिनी के पास जाइए, कैपजेमिनी कुछ पैसे लेगा और आपको ये कैलकुलेशन करके देगा। दिस इज समथिंग आउटसोर्सिंग सर्विसेज, यानी सपोज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के लिए सैलरी बनाना दिक्कत वाली बात है क्योंकि एम्प्लॉय बहुत ज्यादा है। एचडीएफसी बैंक बोलता है मेरे पास इतने सारे एम्प्लॉई है, सब सैलरी में कितना बनाएंगे, क्या बनाएंगे, टाइम ज्यादा लग जाएगा, मुझे कोई और बना के देने वाला चाहिए, मुझे सैलरी और कोई बना के देने वाला चाहिए। ओके, आप एचडीएफसी बैंक बोल रहा है, तो ये लोग किसके पास जाएंगे, ये लोग जाएंगे कैपजेमिनी के पास और कैपजेमिनी को बोलेंगे हमारे लिए सैलरी कैलकुलेशन ये है, इतने इतने लोगों की सैलरी कैलकुलेट करनी है, आपको मैं डेटा दे दूंगा, आप कैलकुलेट करके हमें बता देना कितना आपको हमको पे करना है। दिस इज व्हाट अ कॉन्सेप्ट कैन कम हियर। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया ये क्या गड़बड़ किया मैंने। ओके, आप सैलरी कैलकुलेशन स्लिप ये बनाते हैं, ये आपको समझा होगा। अब कैपजेमिनी बोलता है ओके, कैपजेमिनी किसके पास आता है, सुन मेरी बात, कैपजेमिनी आता है ओके सर, टेक्निकल आंसर सुनिए, कैपजेमिनी आता है सर ओके पीडब्ल्यूसी के पास, पीडब्ल्यूसी प्राइस वाटर ऑफ स्कूपर्स बिग फोर्स, पीडब्ल्यूसी के पास आता है, पीडब्ल्यूसी को बोलता है कि पीडब्ल्यूसी हम जो सैलरी बना रहे हैं इसके ऊपर कुछ कंट्रोल्स है, हम सैलरी बनाते हैं उस पर कुछ कंट्रोल्स है, ये कंट्रोल्स पे आप हमें एश्योरेंस दे दीजिए, एक एश्योरेंस रिपोर्ट दे दीजिए, ये कंट्रोल पे एश्योरेंस रिपोर्ट दे दीजिए, आप समझे वाले, ये कंट्रोल पे आप हमें एश्योरेंस रिपोर्ट दीजिए कि कंट्रोल हमारे अच्छे हैं, ताकि आप जो रिपोर्ट हमें दोगे ये रिपोर्ट हम अपने क्लाइंट को दे पाएंगे। क्लाइंट मतलब कौन, ओके जैसे मैंने बताया एचयूएल है, ओके हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, एचडीएफसी बैंक है ओके आईसीआईसीआई बैंक है, हम इनको ये रिपोर्ट दे देंगे और इनको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई हमारे इधर काम बहुत अच्छा होता है, यानी हमारे इधर काम है ना ऐसे फालतू वाला काम नहीं होता, हमारे इधर काम बहुत अच्छा होता है, ओके ये रिपोर्ट से हम उनको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, आप हमको ये रिपोर्ट दे दीजिए। पीडब्ल्यूसी बोला ठीक है ओके, यानी पीडब्ल्यूसी क्या करेगा, पीडब्ल्यूसी कैपजेमिनी के पास जो कंट्रोल्स होंगे उस कंट्रोल्स को चेक करेगा और एक रिपोर्ट में देगा कि भाई ये कंट्रोल्स अच्छे हैं, एश्योरेंस दे रहा है, क्या दे रहा है, एश्योरेंस, बोल रहा ना कि ये रिपोर्ट में दे रहा है, एश्योरेंस दे रहा है। तो सवाल ये है क्या ये ऑडिट का हिस्सा है, आंसर इज नो, क्योंकि ये एचएफआई नहीं है। क्या ये रिव्यू का हिस्सा है, आंसर इज नो, क्योंकि ये एचएफआई नहीं है। तो सर ये किसका हिस्सा है, ये हिस्सा है एश्योरेंस का, क्योंकि अदर देन एचएफआई। तो आप देखो हाँ थोड़ा सा टेक्निकली समझने की कोशिश करो, मैं जब बोल रहा हूं अदर देन एचएफआई की बात कर रहे हैं, अदर देन एचएफआई की बात कर रहा हूं मैं, आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, अदर देन एचएफआई डज नॉट मीन ओनली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इट कैन बी एनीथिंग अदर देन एचएफआई। आई डू थिंक सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, एनीथिंग अदर देन एचएफआई, सब लोग मेरे साथ है बरबर, एनीथिंग अदर देन एचएफआई। तो एनीथिंग में क्या क्या आ गया, पहला आ गया पीएफआई प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, दूसरा आ गया कंट्रोल्स पे एश्योरेंस देना, दिस अगेन अ कॉन्सेप्ट ऑफ पीएफआई, अदर देन एचएफआई, पीएफआई नहीं पर अदर देन एचएफआई। मेरे ख्याल से मालिक ये समझा, मालिक अदर देन एचएफआई सब लोग को समझ में आया मालिक, बढ़िया। तो अदर देन एचएफआई की कहानी का आपको लॉजिक समझा मालिक, लॉजिक के ध्यान में रखना मालिक। तो मेरे ख्याल से आपको ये लॉजिक बैठा होगा कि अदर देन एचएफआई को कैसे क्लोज किया जाता है, अदर देन एचएफआई कैन बी एनी के। अच्छा एक आपको मालूम होगा आज के डेट में नया बहुत बहुत हॉट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड ईएसजी, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, ये कंपलसरी रिपोर्टिंग आ चुका है लिस्टेड एंटिटी में। अब ये जब कंपलसरी आ चुका है तो इस रिपोर्टिंग के लिए कंपनी भी इसका ऑडिट करवाती है, ओके ईएसजी का ऑडिट, यानी यहां पर आपका क्लाइंट एक्स लिमिटेड आता है, बोलता है भाई मेरी एनवायरमेंटल सोशल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बरोबर निभाई है कि नहीं, मैंने इसके ऊपर आप ओपिनियन दीजिए, इसके ऊपर एश्योरेंस दीजिए, कॉन्फिडेंस दीजिए, आप इसके ऊपर काम करिए और हमें कॉन्फिडेंस दीजिए कि हमने ये अपनी जिम्मेदारी बरोबर निभाई है कि नहीं। अब मेरे को बताओ क्या ये ऑडिट आएगा, आंसर इज नो, नॉट एट ऑल, ओके रिव्यू भी नहीं आएगा। तो सर ये किस में जाएगा, एश्योरेंस में, यानी टेक्निकली आप समझ लेना है एश्योरेंस में वो चीजें जाती है जिसमें अपन क्या देते हैं, एश्योरेंस देते हैं लेकिन एचएफआई का अलावा। तो अगर मैंने बोला आपको एश्योरेंस सर्विसेज है तो मुझे बताइए कितनी एश्योरेंस सर्विसेज है, बीवाईएम तोड़ मालिक ग्रीन ऑडिटिंग परफेक्ट मालिक। तो मेरा क्वेश्चन है कितनी एश्योरेंस सर्विसेज अपने 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 एक ऑडिट एक सीए प्रैक्टिसिंग सीए के पास कितनी एश्योरेंस सर्विसेज है, तीन, ऑडिट एश्योरेंस सर्विसेज, रिव्यू एश्योरेंस सर्विसेज एंड एश्योरेंस सर्विसेज अदर देन एचएफआई।
तो जब मैं बोलता हूँ ऑडिट, ऑडिट में है एचएफआई का ऑडिट, रिव्यू एचएफआई का रिव्यू, ओके एंड एश्योरेंस अदर देन एचएफआई, यानी तीनों में हम एश्योरेंस देते हैं। अभी शायद कोई स्टूडेंट बोलेगा सर हम तीसरे में जो एश्योरेंस सर्विस है उसमें कौन सा एश्योरेंस देते हैं, हम रीजनेबल देते हैं, लिमिटेड देते हैं, एब्सोल्यूट देते हैं, क्या क्या देते हैं, वो तो डिपेंड ऑन एंगेजमेंट होगा, क्योंकि एश्योरेंस सर्विसेज तो अलग, एश्योरेंस सर्विसेज तो अदर देन एश्योरेंस है ना बेटा, ये तो अदर देन एश्योरेंस है ना, अदर देन एचएफआई है ना, तो अदर देन एचएफआई में कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, इट कैन बी लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो, बट हियर वी आर नॉट गिविंग रीजनेबल एश्योरेंस ऑन एचएफआई। अगर आप रीजनेबल एश्योरेंस ऑन एचएफआई कर रहे हो तो आपका ऑडिट ही होगा, एचएफआई को छोड़कर हम अगर कोई भी एश्योरेंस एंगेजमेंट देंगे वो एश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन एचएफआई में जाएगा। मेरे ख्याल से आत्मा डन मालिक, आई डोंट थिंक सबको समझ में आया ये पॉइंट, ठीक है बढ़िया। तो मेरे ख्याल से एश्योरेंस सर्विसेज आपको समझा होगा, तो मेरे को पहला एक आंसर रेडी करिए आपके दिमाग में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट आर देयर, तो कितने प्रकार के एश्योरेंस है, तो आपको याद रखना होगा तीन प्रकार के एश्योरेंस है, एक है ऑडिट, एक है रिव्यू, एक है ओके एश्योरेंस, पहले दो आपके एचएफआई से जाते हैं और तीसरा वाला अदर देन एचएफआई से जाता है। तीसरे वाले के लिए मैंने आपको दो दो एग्जांपल स्क्रीन पे दिखाए, दोनों एग्जाम्पल टेक्निकली मैंने आपको समझा कैसे वर्क हो रहा है, एक होता है विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप एक एग्जांपल देखोगे, एक एग्जांपल कैसे होता है विद रिस्पेक्ट टू आपका पहला एग्जांपल देखोगे, तो पहला एग्जांपल वाज पीएफआई, पीएफआई का फुल फॉर्म प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, दूसरा एग्जांपल मैंने आपको दिया कंट्रोल्स का, तीसरा एग्जांपल दिया ओके सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, जैसे ग्रीन ऑडिटिंग बोला गया है। तो सर ऑडिट, तो इसका मतलब सर ऑडिट खाली ऑडिट में आता है या एश्योरेंस में भी आ सकता है, एश्योरेंस में भी आ सकता है। अगर आप ऑडिट एचएफआई का करते हो तो ये पहली कैटेगरी हुई, लेकिन आप अदर देन एचएफआई का जो भी ऑडिट करोगे वो किस में जाएगा, वो इसमें जाएगा अदर देन एचएफआई। आत्मा झेपा क्या मालिक, परफेक्ट। और इसके अलावा भी ओके और एक एंगेजमेंट देखिए, ओके और एक एंगेजमेंट देखिए, ओके एक एक्स लिमिटेड है हमारे पास आया, एक्स लिमिटेड हमारे पास आता है और बोलता है भाई हमको पीएनएल बैलेंस शीट है ना ये बनानी है, ओके एक सीए को बोलता है हमको पीएनएल बैलेंस शीट बनानी वाले को, ओके यानी एक्स लिमिटेड बोलता है मैं तेरे को ट्रायल बैलेंस दूंगा, लेजर दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, लेकिन तेरे को ये ट्रायल बैलेंस लेजर से पीएनएल बैलेंस शीट बनानी और पीएनएल बैलेंस शीट बना के हमको वापस देनी है हमारी पीएनएल बैलेंस शीट, हमारी पीएनएल बैलेंस शीट तू हमें हमारे हवाले कर देगा, बात खत्म, इससे ज्यादा दिमाग फोड़ी नहीं करेगा, ओके और तू बोलता है ओके ओके तू एज ए सीए बोलता है ओके मैं ये दे देता हूं, ओके अब ये किस में जाएगा, क्योंकि ना ये ऑडिट करना हुआ ना ये रिव्यू हुआ, क्योंकि ऑडिट और रिव्यू पे अपन एश्योरेंस देते हैं, और तीसरा ये एश्योरेंस भी नहीं हुआ क्योंकि यहां पर आप कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हो, आप खाली बना के दे रहे हो मालिक। तो अगर आपको कोई भी एश्योरेंस सर्विसेज देनी है तब तक ठीक था पहले तीन, लेकिन अदर देन एश्योरेंस में जाना है तो आपका तीसरा और लास्ट एलिमेंट कवर होता है, लास्ट एंगेजमेंट कवर होता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटेड सर्विसेज। कौन सा बेटा, रिलेटेड सर्विसेज रिलेटेड सर्विसेज आपका टेक्निकल आंसर रहेगा, रिलेटेड सर्विसेज की कहानी आपको ध्यान में रखनी होगी। तो रिलेटेड सर्विसेज क्या सीन है मालिक, रिलेटेड सर्विसेज एक ऐसी कहानी है जहां पर हम रिलेटेड सर्विसेज को काम पे लगा रहे मालिक। रिलेटेड सर्विसेज मतलब क्या होगा सर, रिलेटेड सर्विसेज मतलब ओके कंपाइलेशन करना ओके उसके अलावा कुछ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर ये काम करना इज नथिंग बट कंपाइलेशन का काम, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर सर। एग्जांपल ओके कंपाइलेशन तो सबको समझाई होगा, कंपाइलेशन मतलब ट्रायल बैलेंस लेजर से कंपाइल करके पीएनएल बैलेंस शीट बनाने का, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर मैनेजमेंट आपको कुछ काम बोलता है, बेटा मैनेजमेंट बोलता है हमारे लिए करके दे सर। एग्जाम्पल क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कैलकुलेशन करना चाहिए, हमने सोच के बताइए क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट होना चाहिए मालिक, हाँ या ना बताइए मालिक। आवाज सबको बरोबर आ रही है मालिक, कोई दिक्कत नहीं आवाज में, तो मेरे को बताइए ओके क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट करना पड़ता है, आंसर इज यस। ओके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओके 6 महीने से पुराना कौन सा डेट है, ओके 10 महीने से पुराना कौन सा डेट है, 1 साल से पुराना डेट कौन सा है, 1.5 साल से पुराना डेट कौन सा है, इसका डेट्स का कैलकुलेशन होता है मालिक, ये कैलकुलेशन करना है। मैनेजमेंट बोलता है भाई ये कैलकुलेशन मेरे को नहीं करना है ये कैलकुलेशन मैं एक सीए को बोलूंगा, सीए कैलकुलेट करके देगा। अब तेरे को ये काम दिया है तू ये कैलकुलेट करके दे, और तू ये कैलकुलेट करके दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। आई डोंट थिंक समझ में आया मालिक, इसको अपन बोलते हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। भारत माता की जय, झेपा के मालिक।
इसको बोला जाता है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स मतलब क्या? ओके, मैनेजमेंट के साथ अपन एग्री करते हैं और एग्री करने के बाद वो जो बोलता है उसको फाइनल करते हैं हम लोग, उसके हिसाब से काम करते हैं मालिक, उसके हिसाब से काम करते हैं। तो मैनेजमेंट के हिसाब से अपन जब एग्री करते हैं उसको अपन बोलते हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, यानी मैनेजमेंट के साथ एग्री किया जाता है। यानी अगर आप रिलेटेड सर्विस देखोगे तो रिलेटेड सर्विस में दो काम है, एक है कंपाइलेशन का कॉन्सेप्ट करना, एक है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स काम करना। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन जो अपना आज का पॉइंट है, मेरे को बताइए इंगेजमेंट सर्विसेज कितनी कितनी है, यानी एक सीए कितनी इंगेजमेंट सर्विसेज ले सकता है, कितनी इंगेजमेंट ले सकता है। तो एक सीए टोटल चार इंगेजमेंट कवर कर सकता है। सर चार इंगेजमेंट कौन से? पहला इंगेजमेंट होगा उसके लिए ऑडिट, दूसरा होगा रिव्यू, तीसरा होगा एश्योरेंस, चौथा होगा रिलेटेड सर्विसेज। ऑडिट में वो क्या करता है? ऑडिट ऑफ एचएफआई करता है, रिव्यू ऑफ एचएफआई होता है। और दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों में भी डिफरेंस क्या होता है? एक में रीजनेबल एश्योरेंस होता है, एक में लिमिटेड एश्योरेंस होता है, लेकिन दोनों में कहीं पर भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होता। तीसरा, इन दोनों के अलावा अदर देन एचएफआई के लिए अगर कोई भी एश्योरेंस देना हुआ तो उसके लिए आपको है एश्योरेंस सर्विसेज। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है रिलेटेड सर्विसेज। रिलेटेड सर्विसेज में मैंने आपको बताया इसमें एश्योरेंस नहीं देते अपन, कॉन्फिडेंस नहीं देते। इसमें आपने जो बोला मुझे वो काम करके देना है, आपने बोला मुझे पीनल बैलेंस शीट बना के देना है तो मैंने आपको कंपाइलेशन करके दे दिया, आपने बोला मुझे कुछ इस कैलकुलेशन करके देना है, ओके, मैंने आपको कैलकुलेशन करके दे दिया, आपने बोला मेरे लिए बैंक रिको बना के दीजिए, ओके, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना के दीजिए, आप बोले मेरे को कैशबुक रिकंसाइल करके दीजिए, मैंने आपके लिए करके दे दिया। सर ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? ये कॉन्सेप्ट आपके लिए हो गया, दैट इज कॉल्ड एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। आपसे एग्री करूंगा प्रोसीजर और उसके हिसाब से काम करूंगा, दैट्स इट। ये चार इंगेजमेंट है और ये चार इंगेजमेंट के लिए ओके अपने इंस्टीट्यूट ने अलग अलग स्टैंडर्ड्स लाए हुए हैं। तो चार कौन से स्टैंडर्ड्स है अपने इंस्टीट्यूट के मालिक याद रखते हैं, ओके ध्यान रखना, ओके ऑडिट करने के लिए अपने जो स्टैंडर्ड्स है उसको अपन बोलते हैं एसए का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। रिव्यू करने के लिए आपका फुल फॉर्म है ओके स्टैंडर्ड का नाम है एसआरई, एसआरई का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू इंगेजमेंट। तो ऑडिट करने के लिए अपन जो स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे वो है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, रिव्यू करने के लिए जो फॉलो करेंगे वो है स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू इंगेजमेंट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू इंगेजमेंट ये आपके लिए करना जरूरी है। एश्योरेंस के लिए आपके पास आएगा स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट, ओके, यानी हम एश्योरेंस देते हैं उसके स्टैंडर्ड्स, एश्योरेंस देने के लिए क्या स्टैंडर्ड्स है। एंड लास्ट रिलेटेड सर्विस के लिए आपके पास होगा स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। तो आपके लिए टोटल इंस्टीट्यूट के हिसाब से जो चार स्टैंडर्ड कवर है, इंगेजमेंट स्टैंडर्ड, कौन से स्टैंडर्ड बताया? इंगेजमेंट, इंगेजमेंट स्टैंडर्ड वो चार है जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं मालिक, जो इसको येलो कलर किया हुआ है मैंने, मेरे ख्याल से येलो बराबर दिख रहा होगा। पहला है एसए, दूसरा है एसआरई, तीसरा है एसएई, चौथा है एसआरएस। एसए का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, एसआरई का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू इंगेजमेंट, एसएई का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड्स ऑन ओके एश्योरेंस इंगेजमेंट, एसआरएस का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। तो आपको समझ में आ गया होगा एक एक सीए प्रैक्टिसिंग सीए जो भी रहेगा वो चार स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है, मालिक चार मतलब स्टैंडर्ड फॉलो करेगा डिपेंडिंग ऑन इंगेजमेंट, उसके पास कौन सा इंगेजमेंट है उसके हिसाब से वो स्टैंडर्ड फॉलो करेगा। अगर उसके पास ऑडिट इंगेजमेंट है तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट फॉलोइंग करेगा, ओके रिव्यू है रिव्यू का पॉइंट, ओके एश्योरेंस है एश्योरेंस, और रिलेटेड सर्विसेज रिलेटेड सर्विसेज है। मेरा क्वेश्चन वापस टेक्निकली आता है ये इंगेजमेंट कौन फॉलो करता है, यानी ये कौन कौन सर्विसेज दे रहा है, यानी ऑडिट सर्विसेज कौन देता है, रिव्यू कौन देता है, एश्योरेंस कौन देता है, रिलेटेड सर्विस कौन देता है। ये सारा सारा एलिमेंट, ये सारा सर्विस देने वाले लोग जो भी बंदे लोग हैं, ये सारा सर्विस देने वाले बंदे लोग हैं ओके वो अपना सीए होते हैं। और सीए का एक क्या होता है अगर आपने सुना होगा, ओके फर्म, सीए फर्म, सीए बनने के बाद एक सीए फर्म बनाया जाता है और सीए फर्म होता है जो ये चारों सर्विस देता है मालिक। सर सीए फर्म मतलब एक फर्म है सर, फर्म तो पार्टनरशिप फर्म की होती है ना, देखो पार्टनर रहे तो पार्टनरशिप फर्म बोली जाएगी, लेकिन अगर इंडिविजुअल रहा तो प्रोप्रेटरशिप फर्म बोली जाती है ना। अगर मैं खुद सीए बन गया और सीए बनने के बाद खुद बन गया, मतलब मैं सीए ही हूँ मालिक, माँ कसम तोड़, ओके मतलब सीए हुआ ही, मैं सीए हूँ, तो मैं सीए बन गया और सीए बनने के बाद मेरे को ऑफिस खोलना है तो मैं कौन सी फर्म खोलूंगा? अकेले खोलना है मेरे को, किसी के साथ पार्टनरशिप में नहीं जाना है तो मैं कौन सी फर्म खोलूंगा? डेफिनेटली ओके मैं डेफिनेटली मैं जो सीए फर्म खोलूंगा ओके वो होगी प्रोप्रेटरशिप फर्म। कौन सी फर्म बेटा? प्रोप्रेटरशिप फर्म। प्रोप्रेटरशिप फर्म का लॉजिक आपको समझ में आएगा, प्रोप्रेटरशिप फर्म ओके इंडिविजुअल रहेगी और यही चीज पार्टनरशिप फर्म में हो जाएगी जहां पर पार्टनर्स रहेंगे मेरे साथ। तो या पार्टनरशिप फर्म बोलिए या प्रोप्रेटरशिप फर्म बोलिए, आपकी चॉइस है, लेकिन फर्म तो होगी भाई साहब, बिना फर्म के ये काम नहीं होगा मालिक, बिना फर्म के काम नहीं होगा मालिक, बिना फर्म के काम नहीं होगा मालिक, आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो यहां पर तो फर्म तो होगी होगी, फर्म तो होगी होगी मालिक। तो फर्म का कंटेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं, फर्म के कंटेक्स्ट में अपना मेन आंसर होता है, फर्म के कंटेक्स्ट में अपन क्या करें,
फर्म के कंटेक्स्ट में ओके okay, मतलब ये स्टैंडर्ड किसको फॉलो करना है, ये फर्म को फॉलो करने मालिक ओके स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू, स्टैंडर्ड ऑन इंश्योरेंस, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। लेकिन फर्म के पास भी जब ये इंगेजमेंट ले रहे हैं, एग्जाम्पल ओके कोई आया बोला मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर दो, सीए फर्म के पास क्या सीधा हावड़े जैसे ले लेने का अपन ने, हावड़े जैसे मतलब सीधा ले लेने का, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं क्या? नहीं भाई साहब, ओके अपन ने पूरा देखना चाहिए। ऐसा हो सकता है जो बंदा, जिस क्लाइंट है हमारा, वो क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होगा, फ्रॉड वाला बंदा होगा, ऐसे काम नहीं लेने चाहिए भाई साहब। अपनी इंस्टीट्यूट बोलती है अगर आपने ऐसे काम लिए अपन एज ए सीए फंस जाएगा। और देखो अगर तुमने कुछ अकेले ने गलती की, प्रॉब्लम तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारा नाम का प्रॉब्लम नहीं है, बंदे लोग क्या बोलेंगे किसने फ्रॉड किया, ये सब लोग का क्या इंटरप्रिटेशन होगा, ये फ्रॉड किसने किया, ये फ्रॉड करने वाला बंदा था सीए, ये प्रॉब्लम है हमारे लिए मालिक, ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ना हो, ये प्रॉब्लम ना हो मालिक, इसके लिए ओके इंस्टीट्यूट बोलती है ये चार तो इंगेजमेंट स्टैंडर्ड हो गए, जो आप इंगेजमेंट लोगे उसके हिसाब से स्टैंडर्ड रहेगी, लेकिन आपकी फर्म को भी एक स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं एसक्यूसी, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। लॉजिक आप समझिए, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल यानी पॉइंट टू बी नोटेड, एसक्यूसी जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, आपको यह समझना पड़ेगा, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल इज नॉट एप्लीकेबल टू इंगेजमेंट, इट इज एप्लीकेबल टू फर्म, ध्यान रखियो। अगर मैं बोल रहा हूं क्वालिटी कंट्रोल है, किसको एप्लीकेबल है, फर्म को एप्लीकेबल है, इंगेजमेंट को एप्लीकेबल नहीं है। अगर मैं इंगेजमेंट के एंगल से बोलूंगा तो इंगेजमेंट वाले स्टैंडर्ड अलग अलग होंगे। तो कभी भी अपनी लाइफ में कभी भी बात करोगे ना, तो हमेशा इस तरह से बड़बड़ करना, जो भी बड़बड़ करोगे ओके। तो हाउ मेनी स्टैंडर्ड्स आर देयर टेक्निकली, वी हैव लाइक दिस, वी हैव इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। कभी भी बात किया जाता है ना तो ऐसे ही बोला जाता है, वी हैव इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, यानी हमारे पास जो भी स्टैंडर्ड्स है वो इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है। तो सर इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स ओके, तो इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स कितने हैं अपने पास, चार, कौन से स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, रिव्यू, एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज, और क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स आपके लिए ओके एक क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है ओके वो है आपका एसक्यूसी, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। तो मेरे को बताओ क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड एप्लीकेबल किसको है, इंगेजमेंट को या फर्म को? क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड एप्लीकेबल किसको बेटा, इंगेजमेंट या फर्म? क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है फर्म को, और ये जो इंगेजमेंट स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है आप क्या इंगेजमेंट लेते हो उसके ऊपर है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, सपोज एक एटी एंड कंपनी एक सीए फर्म है और इसमें पार्टनर लेते हैं, एक है ए अमित पार्टनर है, एक ओके बीवाईएम पार्टनर है, एक संयोग ले लेते हैं, संयोग पार्टनर है अपन तीन पार्टनर लेते हैं। अब इमेजिन करो मेरा क्वेश्चन है ओके, अब मेरे को आप सोच समझ के बताइए, एटीएन कंपनी अगर सीए फर्म है ओके और इसके अंदर तीन पार्टनर्स है ओके, मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल है ओके, एसक्यूसी कौन फॉलो करेगा, एसक्यूसी कौन फॉलो करेगा, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल कौन फॉलो करेगा, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल कौन फॉलो करेगा मालिक, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल फॉलो जो करेगा वो कौन होगा, सोच समझ के बताइए, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल कौन फॉलो करेगा? तो स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल फॉर्म करेगा ओके एसक्यूसी वाला, ये है सीए फर्म। अब क्वेश्चन है सर सीए फर्म में सीए फर्म फॉलो करेगी मतलब कौन करेगा, एटीएन कंपनी। टेक्निकली मैं वापस बता रहा हूं, अभी आज क्लियर कर दे रहा हूं, फिर परसों तरसों मेरे को उसमें दिमाग थोड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मैं कॉन्सेप्चुअली आज क्लियर कर दे रहा हूं मालिक सबको ओके। तो एकदम ध्यान रखना, एटीएन कंपनी एसक्यूसी वन फॉलो करेगी, लेकिन टेक्निकली पॉइंट अभी मेरा आ रहा है, एटीएन कंपनी मतलब फर्म थोड़ा, फर्म तो भाई नॉन लिविंग पर्सन है, पकड़ेंगे किसको अगर ये कंप्लाई नहीं किया, तो गाली किसको देंगे, किसको तो पकड़ना, गला तो पकड़ेंगे ना। फर्म के लिए कोई तो फर्म है मैं समझ गया, लेकिन कोई तो जिम्मेदार होना चाहिए। इसीलिए याद रखना, टेक्निकली आंसर याद रखना, हम तीनों में से ओके अमित बीवाईएम और संयोग, हम तीनों में से कोई तो म्यूचुअली डिसाइड करेंगे हम में से मैनेजिंग पार्टनर कौन होगा। जैसे एमडी होता है ना कंपनी में, मैनेजिंग डायरेक्टर, वैसे इसमें हम डिसाइड करेंगे हमारा मैनेजिंग पार्टनर कौन होगा। एग्जांपल ओके हम तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि अमित इज मैनेजिंग पार्टनर, यानी अमित विल बी टेकिंग केयर ऑफ एसक्यूसी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मेरे ख्याल से समझा, क्योंकि अमित कौन था पार्टनर है, मैनेजिंग पार्टनर है। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वैसे मैनेजिंग पार्टनर है। सर ये मैनेजिंग पार्टनर अमित ही क्यों बना, दूसरा क्यों नहीं बने? अरे म्यूचुअली डिसाइड किया मालिक ओके, ये पॉइंट ध्यान रखना। इसके अलावा अब इमेजिन करो अमित के पास ऑडिट का काम है
BYM के पास रिव्यू का काम है और सनयोग के पास रिलेटेड सर्विसेज का काम है, रिलेटेड सर्विस का काम है। तो मेरे को आप बताइए अमित कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करेगा? एसक्यूसी छोड़ दीजिए, अमित वो फर्म के बिहाफ पे एसक्यूसी करेगा, लेकिन उसके अलावा अमित कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करेगा? अमित जो फॉलो करेगा वो एसए होगा क्योंकि इसके पास ऑडिट के काम है। ओके, बीवाईएम एसआरई करेगा क्योंकि इसके पास रिव्यू का काम है, मालिक रिव्यू का काम है एसआरई, और रिलेटेड सर्विस में एसआरएस करेगा सनयोग। मेरे ख्याल से ये समझा क्या कौन क्या करेगा? पर फर्म मतलब एसक्यूसी कौन फॉलो करेगा? क्या ये तीनों एसक्यूसी फॉलो करेंगे? नहीं नहीं, वो फर्म करेगी फर्म। ओके, बट फर्म में से कोई तो मैनेजिंग पार्टनर होगा, वो करेगा मैनेजिंग पार्टनर। हम तीनों ने मिलकर डिसाइड करना है कौन रहेगा। दिस इज हाउ द कॉन्टेक्स्ट वर्क व्हेन वी आर डिस्कसिंग अभी तक का स्ट्रक्चर। तो मेरे ख्याल से अभी तक का स्ट्रक्चर सबको समझा एवरीबडी? ओके, तो मैंने अभी आज क्या क्या डेटा दिया है, इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट क्लोज करूंगा, फिर अपन लेक्चर को एंड करेंगे मालिक। तो मैंने अभी आज क्या क्या डेटा दिया है आपके पास, ये चैप्टर वन की हिस्ट्री है, चैप्टर वन का पॉइंट है चैप्टर वन। ओके, कल अपन शुरुआत करेंगे, नोट्स मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ऑलरेडी शेयर है पहले वाले, वो मतलब वो शेयर है वापस शेयर कर दूंगा, तो उसको यूज कर लीजिए। अगर टेक्स्ट बुक नहीं मिली होगी, टेक्स्ट बुक मिली होगी तो आप डायरेक्टली लीजिए मालिक। ओके, डायरेक्टली आप उठा लीजिए। तो सबसे पहला मैंने क्या क्या डेटा उठाया, मैंने पहला पॉइंट कॉन्सेप्ट समझाया आपको। ओके, पहला पॉइंट है एक सीए फर्म है वो इंगेजमेंट कितने लेता है, तो आपको चार नाम याद रखने हैं, ऑडिट रिव्यू एश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज। ये चारों में क्या डिफरेंस है, तो मैंने आपको समझाया, एक है रीजनेबल एश्योरेंस वाला इंगेजमेंट जो सॉरी पहला है एचएफआई में रीजनेबल एश्योरेंस है, लिमिटेड एश्योरेंस है। उसके बाद है अदर देन एचएफआई में तो कितने सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, उसमें खाली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मत रखिए। इसलिए मैंने एश्योरेंस जो ब्लू किया हुआ स्क्रीन पे, मैंने आपको बताया कि भाई ब्लू कलर में ओके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, खाली ऐसा नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है। तो अदर देन एचएफआई जब मैंने बोला तो इट मींस इट कैन बी प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इट कैन बी ए कंट्रोल्स ऑन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी एन ग्रीन ऑडिट एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का ऑडिट करना, एनीथिंग विच इज नॉट। अच्छा सर ऑडिट करना तो ऑडिट में आना चाहिए ना, अरे मेरे पंटर लोग, ऑडिट में कौन सा ऑडिट आता है? एचएफआई का ऑडिट आता है, अदर देन एचएफआई का ऑडिट एश्योरेंस में आता है। एम आई क्लियर? तो अदर देन ऑडिट एचएफआई में आता है जिसमें आपका एलिमेंट अलग होता है। ओके, तो आपको एश्योरेंस में डाला होगा। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आता है रिलेटेड सर्विसेज। रिलेटेड सर्विसेज में आपको कॉन्सेप्ट आता है जहां पर काम अदर देन काम होता है, उसके अंदर क्या क्या नाम दिए ना, मैंने नाम याद रखना क्योंकि कल जब मैं चैप्टर वन करूंगा, चैप्टर वन में आपको नंबर्स याद रखने पड़ेंगे, तो कुछ कुछ नंबर्स होंगे, वो नंबर्स उसी के रिलेटेड होंगे, वो नंबर्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया एक सीए फॉर्म होती है, सीए फॉर्म को आपको एसक्यूसी फॉलो करना पड़ता है। एसक्यूसी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। उसके बाद जो अदर स्टैंडर्ड है वो कौन से, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। ये पॉइंट अपने को तोड़ झेपने चाहिए। ये होने के बाद मैंने आपको उसके एग्जाम्पल्स भी समझा दिए, एग्जाम्पल का क्या कवर होता है। अब मेरा क्वेश्चन, ओके अपन को तोड़ झेपने के बाद एक तोड़ लॉजिक क्लोज करते हैं। मैंने आपसे पूछा कितने प्रकार के एश्योरेंस सर्विसेज है, क्या बोला मैंने, कितने प्रकार के एश्योरेंस सर्विस है, तो आपका आंसर कितना आएगा, कितने प्रकार के एश्योरेंस इंगेजमेंट है सर्विसेज, कितने प्रकार के एश्योरेंस इंगेजमेंट है, आपका आंसर आएगा हमेशा तीन, स्क्रीन पे ध्यान रखना। यानी देखो आप कितने प्रकार के इंगेजमेंट ले सकते हो, चार, ये चार में से तीन प्रकार के एश्योरेंस इंगेजमेंट है। ओके, कितने प्रकार के इंगेजमेंट ले सकते हो, चार, लेकिन चार में से कितने, तीन एश्योरेंस इंगेजमेंट है, जिसको बोलते हैं अपन ऑडिट, जिसको बोलते हैं रिव्यू, जिसको बोलते हैं एश्योरेंस। ये तीन, ये जो एश्योरेंस इंगेजमेंट में है, इसी में कभी भी याद रखना सबसे पहले, ओके आपके एश्योरेंस इंगेजमेंट में जो एलिमेंट्स होते हैं ना उसको समझा देता हूं। एश्योरेंस इंगेजमेंट में जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स एलिमेंट्स मतलब पार्ट्स। ओके, सबसे पहले हमेशा याद रखना पार्टीज होती है। अब ये डीजे पार्टीज नहीं होती है, पार्टीज मतलब कौन कौन लोग होते हैं। तो अगर आप देखोगे इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पार्टीज में। ओके, सबसे पहला पॉइंट होता है पार्टीज का। ओके, एक होता है ऑडिटर। ओके, पर ये ऑडिट हुआ तो रिव्यूअर, रिव्यू हुआ तो, और एश्योरेंस सर्विस में प्रैक्टिशनर बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिशनर, क्योंकि इधर तो ऑडिटर नहीं होगा ना बेटा। देखो इधर जो बंदा काम कर रहा है वो ऑडिटर, इधर जो बंदा काम कर रहा है वो रिव्यूअर, रिव्यूअर इधर जो काम करेगा वो प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिसिंग सीए, प्रैक्टिशनर। तो भाई साहब, ओके, तो अगर मैं बोलूं पहला पार्टीज कौन होते हैं, पार्टीज एक ऑडिटर, रिव्यूअर या प्रैक्टिशनर हो सकता है। ओके, ये पॉइंट है। सेकंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जो भी बनाया होगा, जिसने भी बनाया होगा, ओके, वो होती है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, जिन्होंने वो बनाया है, जिसको चेक करना है, जिसपे हमें ओपिनियन देना है। ओके, उसको बोलते हैं हम, जिसने बनाया उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल पार्टी, क्या बोलते हैं बेटा, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। और तीसरा, हम जो ओपिनियन देने वाले हैं ये कोई तो यूज करेगा ना, इसको हम बोलते हैं इंटेंडेड यूजर्स, इंटेंडेड यूजर्स। तो पार्टी के अंदर तीन चीजें आप ध्यान रखना। सबसे पहला, आपके पास जो पार्टी होती है उसको अपन बोलते हैं प्रैक्टिशनर, ऑडिटर या रिव्यूअर, ऑडिटर और रिव्यूअर।
दूसरा आपको एक नाम देना है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन होता है मालिक? रिस्पॉन्सिबल पार्टी वो होता है जिसने सब्जेक्ट मैटर बनाया होता है। सब्जेक्ट मैटर मतलब जिसके ऊपर अपन ओपिनियन देने वाले हैं। तोड़ मालिक कार्तिक भाई, तोड़ मालिक, तोड़। सर एंगेजमेंट टीम क्या लिखा है? मेरे को एक मिनट दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड। एंगेजमेंट टीम किसमें आएगी? एंगेजमेंट टीम सब में आएगी। एंगेजमेंट टीम तो सब में काम करेगी ना मालिक। एंगेजमेंट टीम मतलब प्रैक्टिशनर, ऑडिटर, रिव्यूअर, वही एंगेजमेंट टीम हो गया मालिक। तो पहली पार्टी होती है प्रैक्टिशनर, ऑडिटर, रिव्यूअर, ये उसकी टीम। दूसरा होता है रिस्पॉन्सिबल पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब कौन? जो एग्जाम्पल अगर ऑडिट कर रहे हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाएगा? जो बनाने वाला है ओके, वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है। ओके, आत्मा झेपा। एंड तीसरा पॉइंट और एक रहेगा, इंटेंडेड यूजर्स। इंटेंडेड यूजर मतलब कौन? अगर अपन ऑडिट की बात करें तो इंटेंडेड यूजर्स कौन हो गए बेटा? ऑडिट की बात करने वाले इंटेंडेड यूजर्स जो हो जाते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर्स। तो मेरे ख्याल से ओके, मेरे को बताओ। अच्छा, ये एलिमेंट्स किसका डिस्कस कर रहे हैं? एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट मेरे ख्याल से तोड़ मालिक, झेपा मालिक। तो एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, इसमें अपन दो की बात करेंगे, बात खत्म। इसके ऊपर अभी दो पे अपन क्लोज करेंगे, बात खत्म। बाकी कल अपन शुरुआत करेंगे। कल आपका ऑलमोस्ट चैप्टर वन हो जाएगा। ऑलमोस्ट बोला मैंने, पूरा नहीं होएगा। एक थोड़ा सा आधा घंटा मतलब एक आधा घंटा अपने अगले दिन में जाएगा, लेकिन ये चैप्टर वन की कहानी मैंने समझा दी है। तो कल अपन देखेंगे कौन से चैप्टर है क्या नहीं है, पर आज का अपना स्ट्रक्चर रेडी हो गया। ओके, तो पहला क्वेश्चन तो मैं उसके पहले वापस क्लियर कर दूं। एश्योरेंस एंगेजमेंट कितने हैं? तीन। वो तीनों का कॉम्बो आंसर ही है, तीनों के केस में, ऑडिट में भी, रिव्यू में भी, ओके, एश्योरेंस एंगेजमेंट में भी ये कॉन्सेप्ट आएगा, एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट आर देयर? पहला पार्टीज, दूसरा पॉइंट याद रखना सब्जेक्ट मैटर। सर सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर वो चीज होती है जिसपे हम लोग को एश्योरेंस देना है। सब्जेक्ट मैटर वो चीज होती है जिसपे एश्योरेंस देना है मालिक, हमें एश्योरेंस देना है। हमें बड़ा ऑडिटर एश्योरेंस किस पे देगा? ऑडिटर एश्योरेंस किस में देगा? अच्छा, एक क्वेश्चन श्रेयस का आया, मैं स्टार्टिंग में ये बताना भूल गया। सर क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करेंगे क्या? क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देखिए, बैच के ड्यूरेशन में नहीं करेंगे, बैच जैसे जैसे एक चैप्टर दो चैप्टर हो जाएंगे उसके बाद थोड़ा सा एडिशनल टाइम जब लेंगे अपन, उस टाइम पे क्लोज कर लेंगे डिस्कशन का। या ओके, एकदम सेपरेटली मैं बोलूं तो एक दिन जिस दिन मूड आएगा, बहुत सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे, एक दिन मूड आएगा सिर्फ क्वेश्चन बैंक उठा लूंगा मैं। वैसे यूजुअली मेन बैच की जो रिकॉर्डिंग है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ओके, और अदर देन दैट मेरे पास मतलब, क्योंकि मेरे को देखो, मैंने जैसे बताया अपना टारगेट ये होगा, बैच को एंड करने का डेट मैंने आपको बता दिया 15 तक अपन प्लान करेंगे, 15th of March तक का प्लान रहेगा। एक आध दो दिन आगे पीछे कंसिडर करिए मालिक। ओके, और उसके साथ में अपन अगर वो सपोज उसके आगे पीछे हुआ तो 15 मार्च जिस दिन बैच खत्म होगी उसके बाद एक साथ में अपन उठा लेंगे, पूरा मैराथन करेंगे, मैराथन करके उठा लेंगे मालिक। तो जिस दिन बैच खत्म होती है उस दिन अपन पूरा मैराथन करेंगे, एक साथ में मैराथन करेंगे और एक साथ में कर लेंगे। या ऐसा हो जाएगा अपन बैच एक वॉल्यूम खत्म करें, तीन चार चैप्टर खत्म करें उसके बाद करें। देखो ये सब मूड पे है, अपन अनस्ट्रक्चर्ड मतलब तोड़ आदमी है। बस आपको ये है कि करवा दूंगा मैं मालिक, बस आपके लिए। और आपके क्वेश्चन बैंक का पॉइंट, आपको एडिशनल क्वेश्चन बैंक का कॉन्सेप्ट है, आपके वॉल्यूम 1, A, B, C तीनों में क्वेश्चन बैंक है मालिक, तीनों में क्वेश्चन बैंक है, तीनों के अंदर क्वेश्चन बैंक है। मैं आपको कल टेस्ट बुक दिखा दूंगा, आज अभी मेरा वो टेस्ट बुक दिखाने का इंटरेस्ट नहीं है मालिक। तो आपका क्वेश्चन बैंक उसमें 100% कवर हो जाएगा मालिक, कोई टेंशन मत लीजिए। ओके, और दूसरा है सब्जेक्ट मैटर, जो मैं आपको बता रहा था। सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या? अच्छा मेरे को बताओ, ओके, ऑडिट करते वक्त ओके, मेरे को बताओ ऑडिट पे ओपिनियन किस पे देते हो आप? सब्जेक्ट मैटर पे देते हो, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सब्जेक्ट मैटर जिस पे आपको ओपिनियन देना है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट मैटर। भारत माता की जय मालिक, तोड़ मालिक। बस आप ये वीडियो को शेयर करिए मालिक, जिनके जिनके साथ है, जो है, जो स्टूडेंट है जिनको ऑडिट में कोई भी दिक्कत है, भाई साहब अपन तोड़ करके देंगे, दैट फॉर श्योर। और मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मतलब नेक्स्ट लेवल। ओके, मैराथन मतलब बहुत भारी लेवल। रिवीजन एक बार समझ में आने के बाद रिवाइज करना, वो बहुत भारी लेवल। बस ये है कि ये थोड़ा सा अपन थोड़ा सा धीरे धीरे जाते भाई, अपने इसमें घाई का कॉन्सेप्ट नहीं रहता भाई।
ओके तो भाई साहब ओके स्ट्रक्चर वाइज अपन ठीक है, एक दो दो तीन दिन आगे पीछे जो भी रहता है पर अपन तोड़ करके देते हैं मालिक. ओके आप टारगेट जैसे मैंने आपको बताया 15 मार्च, और उसके बाद भाई का एक 3-4 दिन में अपन क्वेश्चन बैंक तोड़ आपको बहुत बहुत बढ़िया से आपको ये बैच को मतलब आपके हाथ में एकदम तोड़ कॉन्सेप्ट आ जाएगा मालिक ऑडिट का. और इसके बाद आप मेरे ख्याल से आप लास्ट 1 घंटे में समझ भी चुके होंगे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसी रहेगी आपको, मैं कैसे लिंक कर रहा हूँ, मैं कैसे इंटीग्रेट करता हूँ चीज़ों को. ओके मतलब मैं चैप्टर स्टार्ट करने के इसमें क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, मेरा पढ़ाने का पॉइंट ऐसे ही रहेगा, मैं ऐसे कुछ समझाऊंगा उसके बाद फिर चैप्टर में जाकर धप 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 क्लोज करेंगे अपन. ये लॉजिक होता है तोड़ मालिक. तो सेकेंड है सब्जेक्ट मैटर, और तीसरा अपने लिए और एक याद रख लीजिए आप क्राइटेरिया. सर क्राइटेरिया मतलब क्या है? तोड़ मालिक भी है, तोड़ मालिक. ओके क्राइटेरिया मतलब क्या है? क्राइटेरिया सब्जेक्ट मैटर और क्राइटेरिया डिफरेंस क्या है? सब्जेक्ट मैटर और क्राइटेरिया ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये हुआ आपका सब्जेक्ट मैटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये हुआ आपका सब्जेक्ट मैटर, और क्राइटेरिया ये बेसिकली अगर देखा जाए तो क्राइटेरिया है जिससे आपको वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करना है. मेरे को बताओ अगर एश्योरेंस देना है आपको बोलना है ये बहुत सही है किसी के साथ तो कंपेयर करना पड़ेगा ना. मेरे को बताओ अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट में आप किसके साथ कंपेयर करते हो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट? मेरे को बताओ अगर ये HFI है इसको कंपेयर किसी के साथ तो करोगे ना मालिक, किसी के साथ तो कंपेयर करोगे ना मालिक, मेरे को बताओ तो सही. अरे कंपैरिजन जो होगा वो AFRF होगा. AFRF मतलब क्या है? इंडेस. तो इंडेस के साथ जो कंपैरिजन आपने किया ओके इंडेस के साथ कंपैरिजन किया फिर आपने बोला हाँ भाई बरोबर बना हुआ है मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूं ओके इसका मतलब वो जो आप इंडेस बोल रहे हो वो क्राइटेरिया है और आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सब्जेक्ट मैटर है. मेरे ख्याल से भारत माता की जय तोड़ समझा मालिक. सर फर्स्ट टाइम अंडरस्टैंडिंग बेसिक ऑफ एंगेजमेंट मेरे ख्याल से मतलब आपको नेक्स्ट स्केल पे बचा दूंगा मालिक. बस कॉन्सेप्चुअली तोड़ बैठा हो, बस आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए. आप जितना आंसर रिपीट करते जाओगे वो करते जाओगे याद रखना बहुत आसान बनेगा. मेरे को बताइए मालिक सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया पक्का झेपा कि नहीं झेपा मालिक मेरे को बताइए. तो सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया तो मेरे को बताओ ओके हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 5 है, 2 को अपन आज नहीं कवर कर रहे, 2 को मेरे को बाद में कवर करना है, 2 में एश्योरेंस के बारे में ही है पॉइंट और रिपोर्ट के बारे में, 4 क्या है? एश्योरेंस देना, 5 रिपोर्ट देना समझा. पर मेरे को अभी अभी कवर नहीं करना, पर 3 कॉन्सेप्ट आप कवर कर लेना. पहला है पार्टी, दूसरा है सब्जेक्ट मैटर, तीसरा है क्राइटेरिया. भारत माता की जय. मेरे ख्याल से तोड़ मालिक क्लियर है. ओके तो कल अपन चालू करेंगे अपन Volume 1A से. आपको 3 volume की बुक्स है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. 3 volume में से अपन Volume 1A को चालू करेंगे और Volume 1A में से Chapter 1 को चालू करेंगे. ओके मैं कल आपको बताऊंगा Chapter 1 और जैसे जैसे खत्म होगा आपको सारे चैप्टर खत्म होने से लेना देना टेंशन नहीं है, खत्म करते जाएंगे मालिक तोड़ मालिक. एवरीबडी क्लियर? तो सी यू टुमारो मालिक. अस्सलाम वालेकुम. ओके डेटा इकट्ठा करिए, मिलिए, और कंटेंट अच्छा लगा तो मालिक लेक्चर को शेयर करिए, दोस्तों के साथ बताइए, एंड डेफिनेटली मिलते हैं मालिक कल 6 बजे शार्प सेम टाइमिंग.